खड़े हैं प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती की अंजील 7वां अध्याय और उसकी 24 आयत से लेकर 27 आयत तक। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 7 फ्रॉम वर्स 24 to 27। मत्ती 7:24 to 27 जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगीं और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के जरिए से स्वर्गीय पिता आपके सामने हम हाजिर हैं। अपने गुनाह का इकरार करते हैं जो कि हमसे ख्यालन फिलन कौलन हुए हैं, स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं कि जबकि आपके रहम से हम बचे हैं तो हमारे निवेदन को स्वीकार करें, हमारे बीच में आ जाएं, अपने अनुग्रह को उंडेल दें, धार्मिकता की चादर से ढांप दें, क्योंकि आप हमारे यहोवा सिद्ध केनु हैं जिससे हमारी ज़िंदगी नहीं बल्कि आपकी रास्तबाजी नजर आए। मेरी जबान को छुएं, पाक रूह से मसा करें ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खतना करें, पाक रूह का मसा दें ताकि आपकी आवाज़ को सुनकर समझकर स्वीकार कर सकें जिससे आपकी मर्जी उनके जीवनों में मुजस्सम हो जाए, हर एक दुनियावी बात हमसे दूर रहे और रूहानियत में हम आपकी उपस्थिति में बने रहे, आपका राज्य हर किसी के दिल में स्थापित रहे, शैतान की हर चाल यहाँ से दूर हो और पवित्र आत्मा का अधिकार हर एक के जीवन में हो। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आप मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर उसके भवन में हमको संगति करने का मौका मिला है, क्योंकि ये सौभाग्य है कि खुदा के चरणों में आ सके। लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि असली खुदा कहाँ है तो कहीं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है तो वो सर्वव्यापी लेकिन उसके मिलने की कुछ खास जगहें हैं, मिलने के कुछ समय हैं जिन पर वो आसानी के साथ मिल जाता है। और चर्च वो जगह है जहाँ पर विश्वासी पत्थर जमा होते हैं, खुदा के पहलौठे की सभा है जहाँ पर खुदा का आना खुशी का कारण होता है और वो पसंद करता है। धर्मी के ओर खुदा की निगाहें लगी रहती हैं, उसकी प्रार्थना की ओर निगाहें लगती हैं, पुकार की ओर लगती हैं, और जब धर्मी उसे बुलाता है तो खुदा वन चला आता है, क्योंकि वो महिमा और स्तुति के अनुग्रह पर सिंहासन पर विराजने वाला खुदा है जहाँ की उसकी महिमा होती है, तारीफ है, जय जयकार गुणानुवाद होता है। सीधे सच्चे मन से लोग आते हैं, चाहे वो दुखी हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे गरीब हों, लेकिन सच्चे मन से आते हैं, प्रभु उनके हृदय में आता है, उनके बीच में आता है। और ये वो स्थान है गोशेन जहाँ पर हम बार बार जमा होते हैं, हर संडे उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और उसकी कृतज्ञता हमारे दिलों में प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और हम रोज़ाना खुशी से और शांति से भरकर आनंदित होते चले जा रहे हैं। अच्छे गानों के लिए, गवाहियों के लिए प्रभु का नाम मुबारक हो। ज़िंदगी में गवाहियाँ होती हैं तो इस बात से मालूम होता है कि खुदा काम कर रहा है। खुदा तो काम करता है लेकिन सुनने वाले कान और देखने वाली आँखें चाहिए, और जो लगाते हैं शोर उन्हें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। तो खुदा का बड़ा शुक्र हो अब तक की अच्छी वादत के लिए। सही है, मोहम्मद भाई कह रहे थे कि बहुत सारे चर्चेज होते तो हैं, लगते तो हैं, लेकिन खुदा यहाँ पर मौजूद रहता है। ये स्पेशल चर्च है, फ़र्क चर्च है। 12:15 बजे मैसेज शुरू होता है, लोग ख़त्म हो जाते हैं 11 बजे 12 बजे तक हैं, और हम लोग वास्तव में मीरासी हैं, दीवाने हैं, और दिल की गहराइयों से और खुशी से जी भर के प्रभु का आनंद उठाते हैं। जहाँ आनंद है वहीं पर तो रुक पाएंगे, वरना आप भीड़ को रोक के दिखा दो,
पिक्चर हॉल में महंगा टिकट होने के बाद भी लोग टिकट खरीदने के बाद भी इंटरवल में भाग जाते, क्या है मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो हटाओ। बड़े महंगे टिकट लेने के बाद स्टेडियम से उठ के चले आते, क्या यार मज़ा ही नहीं आ रहा, बेकार मैच हो रहा, बेकार प्रोग्राम हो रहा, बेकार हो रहा, ये बेकार हो रहा, बेकार के चक्कर में लोग बहुत भाग जाते हैं। और चर्च तो एक ऐसी जगह हो गई है कि जहाँ पर लोग कहते हैं भाई जल्दी ख़त्म करो और भी तो काम है। हमारे टिपिकल चर्च है, लोग कहते हैं अभी अभी जल्दी क्या है, अभी तो भाई मज़ा आ रहा है। तो ये फ़र्क है, ये वास्तव में फ़र्क है। दुनिया जहान में चले जाएंगे, कई जगह हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी जगहें हैं, लोग घंटे दो घंटे मज़ा बांध देते हैं, वो उनका अच्छा कैलिबर है, हम लोगों के पास उतना अच्छा नहीं है। हम तो कुछ ज़्यादा अच्छी खुराक वाले हैं कि जब तक कई घंटे ना बैठ लें प्रभु के कदमों में हमारी तसल्ली नहीं होती है। और एक प्रेमी प्रेमिका की तसल्ली तो कभी भी नहीं होती है, प्रेमी प्रेमिका की तसल्ली कभी नहीं होती, चाहे कितना टाइम दे दो उन्हें कम ही पड़ेगा हमेशा। तो यीशु मसीह तो चीफ लवर है, तो यीशु मसीह की दुल्हन कैसे कहें भाई बहुत हो गया अब चलो यार, अब हद हो गई, क्या यही काम है? वो तो कहेंगे और समय रहने दो, तो भूखे पेट भी तैयार रहते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे ये सर्टेन पॉइंट्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी ज़िंदगी में वास्तव में हमारा लव अफेयर चल रहा है और यीशु मसीह से चल रहा है, इसलिए उसके जगह मज़ा आता है। अब आप देखिए गाने तो उसकी तारीफ प्यार मोहब्बत के होते हैं, गवाहियाँ तो उसके कारनामों का बयान होता है, प्रार्थनाएँ तो उसकी शुक्रिया और उससे कुछ पाने की होती हैं, प्रचार तो जैसा उसने दे दिया है अपने वचन में लिख दिया वही प्रचार दोहरा दिया जाता है। फिर भी मन करता और सुनो, मन करता और गाओ, मन करता और कुछ करो, तो क्योंकि हमारे और हमारे प्रभु के बीच में एक लव अफेयर चल रहा है। और लव अफेयर जिनका चला करता वो कभी नहीं कहते हैं बस, तीन चीज़ें जो कभी नहीं कहती बस, नीति वचन में लिखा है, बांझ की कोख कभी नहीं कहती बस, कम से कम पहला बच्चा तो होने दो, नरक की आग कभी नहीं कहती बस, लाने दो बहुत जगह है, और आग कभी नहीं कहती बस, बोलो कितनों को जलाना है। तो चौथी बात हम भी जोड़ दें इसमें कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन और दूल्हे का प्यार कभी नहीं कहता बस, दुल्हन भी कहती है आ और दूल्हा भी कहता है आ, कोई सा नहीं कहता जा। क्यों अर्थर भाई, कोई सा नहीं कहता जा, कि हद हो गई यार और भी तो बहुत काम है। दुल्हन भी कहती आ और दूल्हा भी कहता आ। तो हम लोग ऐसे दूल्हा दुल्हन के रिश्ते में हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ कि हमें मज़ा आ रहा है, और आ रहा है तो आ रहा है। यहाँ ज़बरदस्ती बैठने की कोई हाजिरी तो है नहीं कि अगर यहाँ से चलेगा तो वो तनख्वाह कट जाएगी, या यहाँ से चले गए तो लीव घट जाएंगी, या यहाँ से चले गए तो और कुछ कट जाएगा। जी करे आओ, जी करे जाओ, मज़ा करे बैठो, नहीं करे फ्री हो जाओ, है ना। इसलिए कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, ये तो प्यार का बंधन है जो टूट नहीं रहा, जिसने बांध रखा है दूल्हा दुल्हन को। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो हमें तसल्ली देते हैं कि हमारा लव अफेयर ठीक ही चल रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि इन बातों को करते रहते हैं। कई बार मैं सोचता रहता ख्यालों में, तो जिन्हें कहाँ से कहाँ तक इंसान उड़ता है तो अपन भी उड़ते हैं, अच्छा लगता है। कई बार होता है कि गाने चल रहे हैं, अब पूछो क्या सारे गाने यहाँ सब बना के लाए हैं भाई, किसी सिंगर ने बनाए हैं, मोस्टली गाने तो वो गाते किसी और के बनाए, किसी और के गाए हुए। तो जिसने गाया हो सकता बहुत ही बड़े टॉप का सिंगर है, वो बाजे बजाए हैं वो भी बहुत है, और ठीक है भैया उनका दिन है वो तुम करो, आज हमारा दिन है तुम्हारा बनाया गाना आज हम गाएंगे। भाई तुमने बनाया राग तुम्हारी सब, लेकिन आज हमारा नाचने का दिन, आज हम नाचेंगे तुम्हारे गाने पे, हम नाचेंगे तो हम गाएंगे अपनी आवाज़ में, हमें नए पुराने से मतलब नहीं है। भजन संहिता में 150 गाने लिखे हुए हैं, दाऊद तुमने लिखे चाहे आसाफ तुम ले, 1400 गवैये थे आसाफ के पास, दाऊद ने 14,000 गाने वाले, सोच लो कितने गाने वाले सिंगर होंगे, ड्यूटी लगती थी उनकी, भैया हमारा नंबर कब आएगा, क्या रुक जाओ यार अभी 1,000 ही हुए, अभी 13,000 बाकी है, सैकड़ों बजाने वाले, तो क्वायर भी तगड़ी तगड़ी गाने वाले। तो हमारे खुदा को तो गाना बजाना गम्मतबाजी अच्छी लगती है। सो किसी ने लिखा, किसी ने बजाया, हमने गाया,
तो हम अपने स्टाइल से गाएंगे, अपने स्टाइल से बजाएंगे, भले ही गाना आपका हो सेकेंड हैंड थर्ड हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा भी नहीं कहता सुनो गाना गाना तो हर बार नया बना के लाना वरना गाना मत, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ये तो परम पिता की आज तक नहीं घिस पाया गाना, कौन से हिंदुस्तान नॉर्थ इंडिया का कौन होगा जिसके कहते ना हर कणकण में गाना ये सुना ना होगा, है ना। आज भी वो चल रहा है और वो कहता ठीक है गाओ पुराना गाना गाओ, तुम अपने दिल से गाओ मुझे पसंद है, और जोश के साथ गाते हैं, है ना। तो गाने के अपने अपने तरीके हैं, कोई सीरियस है, कोई सुरीला है, कोई झटकेदार है, कोई कैसा भी है। तो इसी प्रकार से वचन भी है, पुराना है वही, पुरानी बाइबल, पुरानी आयतें, पुराना वही है। किसने प्रचार पत्रस ने किया था, किया होगा, आज हम करेंगे। ये वाला संदेश जॉन वेस्ली ने प्रचार किया था ना, आज हमारी बारी, आज हम करेंगे। ये वाला भाई ब्रैनम ने किया था, कोई बात नहीं करने दो, आज हम करेंगे। जिस प्रकार से किसी का गाना, कोई सा गाना खुदा के दरबार में गाओ खुल के, किसी की पत्री, किसी की लिखत, करो प्रचार। तो कभी इस बात से कोई डिस्करेज ना हो, अरे ये उनका गाना है अब हम कैसे गाएं, जिसने लिखा उसी को सुनाएंगे, भैया आपने लिखा गाना सुनो क्या जोरदार है, आपने गाया ना, आप तो खैर टॉप के सिंगर हो ही हो, आपका तो कहीं जलवा है ही है, लेकिन आज हमारी फटी आवाज़ में भी सुनिए आपका गाना हम कैसे गाते हैं। तो खुदा के कदमों में शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, खुल करके। नबी कहते ना कि कभी कभी ऐसा होना चाहिए, लेट्स गो समटाइम बिसाइड्स अवर सेल्फ, कभी कभी ऐसा हो जाए कि चलो हम आपा खो जाएं, अपना अपना आपा खो जाएं कि हम कौन हैं ये भूल जाएं, और ये भूल करके चलो खुदा की सिताइश करें। तो नबी कहता बड़ा अच्छा लगता, और मैं कोशिश करता हूँ अक्सर मैं अपना आपा खो जाऊँ। तो आज जो हमने वचन पढ़ा है, संदेश में चलते हैं, सातवें अध्याय से बड़ी पुरानी बात, बहुत पुराना, ठीक है ना। लेकिन पुराने को कभी पुराना मत समझना, खुदा जब बात करता तो बात फिर नई होती है, है ना। तो बहुत पुराना किस्सा, ये तो संडे स्कूल का टॉपिक है, और संडे स्कूल के टॉपिक को अक्सर लोग यूँ छोड़ते, अरे बच्चों का है यार, बड़ों की बातें करो। यीशु मसीह ने कहा जब तक बच्चों की ना इना बनोगे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। ये क्या है, एक जिक्र आ रहा है, यीशु मसीह ने बताया है, एक घर बनाया एक बुद्धिमान ने, एक मूर्ख ने। बुद्धिमान ने बनाया चट्टान पे, मूर्ख ने बनाया रेत पे। बनाया क्यों, किस हिसाब से बनाया, क्या चाहते हो आप। एक इसकी जो आयत है ना 24 बड़ी जोरदार है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आई, मेह आया, बाढ़ें आई, सब कुछ आई, लेकिन वो गिरा नहीं। तूफानों का जिंदगी में आना प्रेडिक्टेड है, कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में तूफान ना आए। लाइफ इज ए स्ट्रगल, स्ट्रगल होना ही होना है। देख रहे थे हम, नबी कहता है कोई चीज जिसमें जिंदगी पाई जाती है उसको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे मनुष्य हो। जो मरा हुआ है, पत्थर मरा हुआ है तो पड़ा रहता है, जो मरी हुई चीज है वो पड़ी रहती है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है और ना कोई स्ट्रगल करना पड़ती है। जो जिंदा है, चाहे छोटा सा कीड़ा भी है, उसको जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। तो लाइफ वर्ड ही स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है, इसलिए कभी कोई ये ना सोचे कि मेरी ज़िंदगी आराम तलवी में कट जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। कुछ ना करना पड़े तो एक बहुत अच्छा उसका तरीका है, आप मर जाएं। मर जाओ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिंदा रहोगे तो कुछ ना करना पड़े, कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ये महाराज के, कुछ तो भी होना। अगर आप जिंदा हैं तो कुछ तो भी होना, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ही, शॉर्टकट चला करते हैं ना। जैसे पंजाब में जा मतलब ये है कि मलपिए का मतलब है, मतलब ये है कि शॉर्टकट, सब जगह के अपने अपने हैं। सो जिंदगी के लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगी, और यहाँ पर एक जिक्र बताया जा रहा कि आंधी आई, तूफान आई, बाढ़ आई, पानी आया, और ये उस व्यक्ति की दास्तान है जो यीशु मसीह की बातें मानता है। उस पर तो है ही है, और जो नहीं मानता जिंदा तो है ही है, उस पर भी ऐसा है। तो कोई व्यक्ति चाहे बिलीवर हो, चाहे अनबिलीवर हो, चाहे मेक बिलीवर हो, स्ट्रांग क्रिश्चियन हो या डुप्लीकेट क्रिश्चियन हो,
वो इन आंधियों से नहीं रुक सकता, तूफानों से बच नहीं सकता, बाढ़ से रुक नहीं सकता। फ्लड तो आना ही आना हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो गरीबी के आए, चाहे वो कड़की का आए, चाहे बेरोज़गारी का आए, चाहे घमंड का आए, चाहे फैशन का आए, चाहे मच्छरों का आए, चाहे डेंगू का आए, चाहे किसी चीज़ का आए, नेशनल क्राइसिस का आए, किसी भी चीज़ का आए, आंधी तूफान बाढ़ तो सबकी ज़िंदगी में आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो क्या किया जाए? तो एक नबी का मैसेज है, द ऑन कमिंग स्टॉर्म, आने वाला तूफान। उस मैसेज की ये बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही वाली बात है ना, नबी ने शेयर किया अपने दिन, आज वही बात मैं शेयर करूँगा। उसने अपने शब्दों में किया, मैं भी अपने शब्दों में करूँगा। लेकिन एक टॉपिक है सेम, कि तूफान आने वाला है, और तूफान आने वाला है तो बुद्धिमान व्यक्ति उसका इंतज़ाम पहले ही कर लेता है और मूर्ख इंसान उसका इंतज़ाम नहीं करता। टॉपिक के मोटे मोटे तीन चार पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप गांठ बांध लेंगे तो बहुत काम आएगा। आप कहेंगे अरे तो हमें आता है, ये तो हमें आता है, तो आप मरेंगे ज़रूर, फंसेंगे ज़रूर, ये तो हमें आता है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी नई बात है। हर कोई बताता है मुसीबत से पहले इंतज़ाम कर लो, आप कौन सी नई बात बता रहे। नई बात तो आएंगी आखिर में, क्योंकि सभी जानते हैं आखिर में आएंगी कि भैया ये वाली जानते थे, ये वाली जानते थे कि ना, इस ओर ऐसा ध्यान नहीं दिया था, तो इसलिए ध्यान ही देते रहना। कि तो तूफान तो आएगा, किसी भी तरीके से आएगा, कहीं भी आएगा, और वो क्या करेगा, इस बात को चेक कर लेगा कि आपकी नींव कहाँ पड़ी हुई है। आपकी नींव उखड़ जाएगी, टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी या बच जाएगी। बहुत सारी ज़िंदगियां, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी करी या नहीं करी, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और बहुत सौ की बच गई। यार मेरे को ही लग रहा है गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, चलता है, और क्या अपना प्लेटफॉर्म है। एंड देर आर मैनी lives lost because of failing to take heed to the warning of storms that is coming. बहुत सारी जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उन्होंने आने वाले तूफान की चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया। अक्सर अमेरिका में तूफान आते रहते हैं और लेडीज के नाम पर आते हैं, है ना, कैटरीना, करीना, सिल्विया, कौन से नामों के तूफानों के, अपने फैशन चल गया है। जैसे हरियाणा में जितने हरियाणा टूरिज्म के जो होटल्स और मोटल्स हैं वो चिड़ियों के नाम पर हैं, गौरैया, मैना, तोता, बगला, तो कहीं कुछ ऐसा। तो फ्लोरिडा जो कि साउथ अमेरिका के इलाका पड़ता है, पूरा कर्व है वहाँ पर, समुद्र है, और वहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब बनता है किस एंगल में हवा चल पड़े, किस दिशा से आंधी आ जाए, कहाँ तूफान है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, और बहुत से लोग वहाँ पर अक्सर फंसते रहते हैं। और वह हाल ये है कि बड़ी बड़ी झीलें भी हैं, जब तूफान आता है, थोड़ी सी वार्निंग अब तो आने लगी है क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ का काफ़ी अच्छा है, और वो पहले बता देते हैं कि भाई ऐसा सा हवा का दबाव बन रहा है, कहीं कुछ ये हो रहा है, हवा घूम रही है, ऐसी तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती, बौछार आ सकती है, और वो बातें सही रहती हैं। कोलोराडो के तूफान के बारे में भी आपने सुना होगा कि जब ब्रदर ब्रैनम शिकार पर जा रहे थे तो रेडियो पे खबर आई, हमारी रेडियो पे खबरें आया करती हैं ये, कि एक तूफान आने वाला है, ब्लिजर्ड, ज़बरदस्त बर्फीला तूफान, और वो तूफान क्या होता है, उस तूफान में इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पत्थर से उड़ते हैं, एक लग गया कनपट्टी पे वहीं गिर जाएगा, कटफट के आदमी मर जाएगा। और वो जब आता है तीन चार दिन से पहले नहीं जाता, और घटना आपको कोलोराडो वाली मालूम है, तो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, लोग अपना मालूम करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, मान लेते हैं, जान लेते हैं कहाँ से हवा, कहाँ से प्रेशर बन रहा है, और लोग उनका ध्यान करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बचा लेते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बता देते हैं कि तूफान कहाँ से आता है। एक तूफान जो हवा का आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, टॉर्नेडो आ रहा है, अलग अलग इंटेंसिटी के नाम पर इनके नाम हैं ये। साइक्लोन है वो सर्कुलर वे में चलता है, टॉर्नेडो बिल्कुल उखाड़ता चलता है, स्टॉर्म जो अंधड़
तेज सीधा 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 चलता है, हर किसी के अपने अपने मूवमेंट हैं, कोई सीधी सीधी हवा रही है, कोई यूं यूं करके आ रही है, कोई यूं यूं करती चली आ रही है, तो इसके आधार पर और इंटेंसिटी के आधार पर उनकी कैटेगरीज हैं और नाम हैं। अगर एक तूफान आ रहा है, हवा आ रही है, बौछार आ रही है, जो लोग मैदान में रह चुके हैं, जिन्होंने मैदान में देखा हुआ, अच्छा है छतों पर चढ़ के देखा हुआ है, ख़ासतौर से वो लोग जो किसान हैं जो खेतों में रहते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं, या जो ख़ास तौर से बड़े बड़े झील तालाब समुंदर नदियों के किनारे रहते हैं वो भी समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? बारिश आ रही है बहुत तेज, खुला पड़ा है डैम, जैसे प्रकाश गवाही दे रहे थे, बहुत तेज दिखाई दे रही है, अरे सफ़ेद भयंकर, ये तो बहुत तेज मोटी बूंदें आ रही हैं, चली आ रही सर, और हमारी तरफ आ रही हैं, हम भीगेंगे, मैदान में हैं, कहीं भाग नहीं सकते, छाता नहीं कुछ नहीं। लेकिन मालूम पड़ा एक हवा चलना शुरू हुई, बड़ी तेज हवाई झोंक आया और आती आती बौछार को बहा करके वहां ले गई और वो चली गई बारिश, हम बच गए। ये बहुतों ने देखा होगा कि बारिश आ रही है, हवा आई बहा के ले गई, ये तो सबने देखा ही होगा, है ना, कि बारिश हो रही है, अरे अरे भैया हवा चल गई, ठीक है ठीक है, अरे बादल उड़ा के ले जाएगी, हवा आ गई है ना, बादलों को उड़ा के ले जाएगी और बौछार यहाँ रुक जाएगी और बारिश चले, चिंता मत करो, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, भागने की जरूरत नहीं है, ये अभी चली आई क्योंकि हवा चल पड़ी है। किसी भी तूफान को, किसी भी हवा को, टॉर्नेडो को, बारिश को अगर कोई चीज़ हटा सकती और बहा सकती है तो उससे तगड़ी हवा हो, उससे तगड़ी पावर वाली चीज़ हो। एक बारिश आ रही है, उससे तगड़ी हवाएं बहा के ले जाए, एक हल्का तूफान आ रहा है, उससे तगड़ी हवा उस तूफान को वहां से खींच करके ले आए। अक्सर नहीं पढ़ते रहते हैं, उड़ीसा की तरफ से आ रहा है तूफान, लेकिन नॉर्थ विंड ने एक ऐसा झटका मारा कि वो तूफान आते आते वापस समुंदर में लौट गया। ये होता रहता है। तो एक बहुत बढ़िया बात है, जब ऐसी आंधियां आए, And the only wind that I know that can turn that storm will be that rushing wind that fell on the day of Pentecost. अगर किसी आंधी को हटाने वाली, भगाने वाली कोई पावरफुल आंधी है तो वो आंधी है जो पेंतेकोस्त के दिन आई थी। और पेंतेकोस्त के दिन कौन सी आंधी आई थी? सबको ऐसा लगा सनसनाती हुई जैसे आंधी की सी आवाज़ आई और फटतुया की जीवें दिखाई देने लगी और पवित्र आत्मा उतर गया सब लोगों के ऊपर। ये वाली जो पवित्र आत्मा की पावर है, पवित्र आत्मा की अग्नि और आंधी है, इसमें सामर्थ पाई जाती है, चाहे टॉर्नेडो हो, चाहे स्टॉर्म हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे बारिश हो, चाहे सुनामी हो, कुछ भी कोई क्यों ना हो, उन सब को हटा सकता है और उन सबको कैंसिल कर सकता है। खुदा का शुक्र हो, ये होली घोस्ट वाली पवित्र आत्मा वाली आंधी किन किन लोगों के पास है? जैसे बुधवार को हम देख रहे थे, अगर सभी के पास खुदा हो तो फिर सभी के पास शांति क्यों नहीं है? क्यों परेशान है, है ना? तो इन तूफानों को, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे अमीरी का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे कंगाली का हो, कोई सा भी तूफान जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपको बर्बाद करना चाहता है, इसको हटाने के लिए उससे बड़ा तूफान चाहिए, और वो तूफान है पवित्र आत्मा की आंधी वाला। जिनके पास पवित्र आत्मा है या कंसेप्ट है, उनके पास तो सेफ्टी है, वो टॉर्नेडो से बच सकते हैं, और जिनके पास पेंतेकोस्त वाली आंधी नहीं है, उनको तो भाई उड़ा के ले ही जाएगी, बर्बाद कर ही देगी। तो बहुत ज़रूरी है, एक ही चीज़ है, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट कैन टर्न द स्टॉर्म एंड दैट इज़ ए मोर पावरफुल स्टॉर्म दैट कैन बिसेट इट एंड चेंज इट्स कोर्स। कहते ना, नहले पे दहला पड़ा, शेर को सवा शेर मिला, आंधी तूफान है जिंदगी बर्बाद करने के शेर, और हमारे पास है खुदावंद के वचन और आत्मा का सवा शेर जो उसके डायरेक्शन को हटा सकता है। उनके पास है नहला, नहला मारा, दहला मारा,
बर्बाद करने के लिए है, हमारे पास है तुरुप का इक्का जो उसको कहीं से कहीं कैंसिल कर सकता है। तो लेकिन फिर भी बाइबल हमको बता रही है कि फिर भी काम तो करना ही करना पड़ेगा। एक बार की बात है, नबी बताता है, एक हुआ क्या, कोलोराडो के पास ही एक झील है, ओकी चोबी लेक, जो कि बहुत गहरी बहुत बड़ी है, मीलों मील लंबी चौड़ी है, मतलब मिशिगन झील के आसपास ही बराबर ही लगती है, ये समुंदर ही है, समझो से झील क्या कहें, समुंदर ही है पूरा, जिसका आर पार ही ना दिखाई दे। तो वहाँ पर एक बंदा रहता था और एक क्रिश्चियन बिलीवर भी रहता था। जो क्रिश्चियन भाई था वो अक्सर बड़ा अलर्ट रहता था, अपने काम करता था, रेडियो सुनता रहता था। एक दिन उसने रेडियो पे सुना कि अनाउंसमेंट हुआ कि ज़बरदस्त एक स्टॉर्म आ रहा है जो उड़ा के ले जाएगा, डुबा देगा। और होता ये है, अब भी होता है, आप लोगों ने जहाँ देखा होगा टीवी पर न्यूज़ में देखते हैं कि जब कोई तूफान फ्लोरिडा में आता है, ऐसा तूफान आता, पानी भरता चला जाता, पूरे शहर को डुबा देता, कारें डूब गई, मकान आधे पौने डूब गए, बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं डूबे डूबे, लोग फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए, नीचे सब डूब गया है। ये नॉर्मल बात है, वहाँ पर होता रहता है, आता है और सामान को समेत लेकर के सोफा ऊपर गाड़ी पाड़ी लेके फिर वापस भाग के लौट जाता है, बहुत नुकसान होता रहता है। जैसे जापान में लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, भूकंप आता है, मकान गिरता है, फिर बनाते हैं लकड़ी का भट्टों का, फिर आ जाता, फिर गिर जाता, फिर बना लेते हैं, होता रहता है। तो इस व्यक्ति को बताया कि उस क्रिश्चियन ने, कहला भैया रेडियो पे खबर आई ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, इसलिए काम करो, तुमने चूज़ मुर्गियाँ पाल रखी हैं, वो सारी मुर्गियाँ वर्गियाँ सब उड़ जाएंगी, इनको पक्के बांड में लेकर के आ जाओ ताकि तुम्हारी चूज़े भी चिकन भी सेफ हो जाए, और भैया तुम्हारा घर भी वैसी वाला है, टिन शेड वाला है, एस्बेस्टस वाला है, उड़ जाएगा। एक काम करो, मेरे पास बीवी बच्चे समेत आ जाओ सारे के सारे, ताकि यहाँ पर सेफ हो जाओगे बहुत। अरे नहीं कहीं नहीं यार, ये लोग कैसी बकवास करते रहते हैं, रेडियो फेडियो वाले, कहीं कुछ ना होने वाला, वो सब ठीक ठाक चल रहा। उन्हें नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ आने वाला है, पक्का अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को, बेकार की बातें हैं यार, छोटी मोटी आंधी आएगी, तूफान आएगी, आएगा चला जाएगा। कह रहे नहीं, छोटा नहीं, बड़ा वाला आ रहा है। कहला भैया, एज ए क्रिश्चियन, एज ए बिलीवर मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि भाई ऐसी वो आ रही है सिचुएशन, प्लीज़ जान बचाओ। अच्छा चलो मुर्गियों को मरने दो, तुम अपनी जान तो बचा लो। कह रहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहा भैया अच्छा काम करो, तुम नहीं मानते मत मानो, अपने बीवी बच्चों को तो कम से कम खुदा के खातिर सेफ कर लो। कह रहा सुनो, ये बेकार की बातों से तुम घबराओ, इन खबरों को सुन के तुम परेशान हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बीवी बच्चे ऐसी खबरें सुने और परेशान हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तूफान आ रहा है, ये आ रहा, मौत आ रही, वो आ रही, मैं नहीं चाहता ये ऐसे हों। अरे मैं हूँ हेड ऑफ़ द फैमिली, मैं हूँ रोटी कमाने वाला, मेरा ऑर्डर चलता, मैं किंग हूँ अपने घर का, मेरे बीवी बच्चे वो करेंगे जो मैं चाहूँगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरे परिवार वाले पैनिक हों, मैं नहीं जाता कहीं, तो मैंने हिसाब देखो। वरना भैया मैं आखिरी बार का प्लीज़, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, कुछ नहीं तो अपने बीवी बच्चों की तो जान बचा लो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, पक्का बहुत अच्छा मकान कोठी सब कुछ है। नहीं माना, मत मानो, बहुत बड़े वो अपने आप में बुद्धिमान समझ रहे थे कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, मैं जानूँ मेरा काम जाने। अल्टीमेटली धीरे धीरे बादल आए, पानी आया, हवा चली, और हवा ने क्या करा, साइक्लोनिक हवा ने वो जो थी झील का पानी तली में से उठाया, ऊपर खींचा, और 20-30 फुट गहरी वाली जो सुनामी सी चलते 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 आई, और आकर के उसका पूरा जितना चिकन यार्ड वगैरह सब कुछ था, बांड पांड था वो, और बहुत सारी जगह को भी डुबाया, सब कुछ करा। अब कहाँ जाएं, भाई साहब का तो पता ही नहीं रहा कि उनकी बॉडी गई कहाँ, कहाँ मरे और कहाँ मर गया, ख़त्म हो गया। बीवी ने क्या करा, अब क्या करें, बेचारी अपनी छत पे चढ़ गई, कहाँ तक चढ़ेगी, चिमनी पकड़ के बैठ गई बच्चों को लेकर के। अब तो कुछ नहीं, पानी चढ़ा हुआ 20-25 फुट, 30 फुट गहरा पानी, घर टूट गया, अपर खचे उड़ गए, चिमनी पे लटकी पड़ी हैं। अब जो बारिश आई, पानी आया, तूफान आया, तो उसमें सब बिच्छू भी आए, सांप भी आए, सारे अपनी जान बचाने को। अब वो जान बचाने कहाँ जाए, उनको भी ठिकाना मिले कोई सा, उन्हें भी ठिकाना उसके घर की छत और वो चिमनी ही मिली। सांप आ गए, कब तक क्या करोगी, ढेर सारे सांप आ गए,
इसको भी काटा, बच्चों को भी काटा, सारे के सारे मर गए, सब मर गए, एक भी नहीं बचा। पानी से नहीं मरे, सांप के काटने से मरे, क्योंकि वो बाढ़ में सारे सांप भी ऊपर जान बचाने को आए, उन्हें भी ठिकने की जगह कहाँ मिली, इनके घर की छत की डूबी हुई चिमनी, जहाँ पर इनकी बीवी और बच्चे लटके हुए थे, अल्टीमेटली मर गए। क्यों मर गए? क्या वार्निंग नहीं मिली थी? चेतावनी नहीं मिली थी क्या? मिली थी, लेकिन एक नेचर है बहुत सारे लोगों का, चेतावनी मिलने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं देते। अरे यार छोड़ो चलता है, अरे यार छोड़ो चलता है, अरे ये तो होता ही रहता है, बड़ी बात है, मर थोड़ी जाएंगे, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। अक्सर बच्चे बहुत फंसते हैं इस मामले में, जब माँ बाप बच्चों को चेतावनी देते हैं, अरे तो बोलते रहते हैं बस, इनका तो बस बकर बकर करना ही है और कुछ नहीं है। क्या है? एक आवाज़ ही तो है, कोई आवाज़ ही तो कह रही है कि भाई चेत जाओ, और ऐसी बहुत सारी आवाज़ें सुनते रहते हैं। लेकिन कुछ जो समझदार लोग हैं, इन चेतावनियों पर ध्यान करते हैं और बचने का रास्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, अपने आप को ज़्यादा बड़ा ज्ञानी मानी समझते हैं, और उस चक्कर में ध्यान नहीं देते, और ध्यान ना देने के कारण मर जाते। एक बार ऐसी था, जो ज्वार भाटा आता है, तो जो ज्वार भाटा आता है तो पानी एकदम से दीवार की तरह चढ़ता है और खड़ा रहता है घंटों, फिर जब उसका टाइम होता है तो वापस उतरता है, चांद के साथ चढ़ता है और चढ़ने के बाद सूरज के साथ वो वापस उतर जाता है। आता 20-20 चल चल, बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में कभी भी आप जाकर के दिन में देख लो, शाम को देख लो, आपको गेटवे ऑफ इंडिया पे चले जाओ, वहाँ पे 200-150 फुट नीचे पानी मिलेगा, 150 फुट वहाँ नीचे आपको पत्थर दिखाई देंगे, चट्टाने दिख रही, जरा रात आने दीजिए, वो पानी चढ़ के 200 फुट ऊपर इतना आ जाता कि टक्करे मारता है रेलिंग पे, वो इतना कहाँ से आ गया पानी। भैया डेली का साइकिल है, डेली आता डेली जाता, डेली आता डेली जाता। हम ये भी गए थे जब अंडमान, तो नील आइलैंड पे गए, तो ना चलो भी फलानी जगह घूम के आते, देख कर आते हैं, कैसे जरा जल्दी चलना क्योंकि टाइम हो रहा है। मैं काहे का कह रहा, शाम हो रही, चांद के टाइम हो रहा है, अब पानी चढ़ेगा। अरे मैं चल, जब तक चढ़ेगा तब तक तो आ जाएंगे। पत्थरों में होते ऊपर घाबड़ ऊबड़ घाबड़ इधर उधर करते करते पहुँच गए। खैर देख दाख लिया, उसका कहने सर वो बढ़ना शुरू हो रहा है, हमें भाग लो जल्दी से। अब धीरे धीरे जैसे ऊट ऊट और पटांग करते कराते खैर लौट करके आ गए। अब बताया कि अभी क्या, अभी यहाँ नीचे गए थे, अब यहाँ पे 30-35 फुट पानी ऊपर आ जाएगा, थोड़ी देर में 2 घंटे में भी आता, 30 फुट पानी चढ़ जाएगा। तो बहुत तेज एक था व्यक्ति, गया घूमने, आया मज़े ले रहे, वहाँ पर एक बुजुर्ग आया, कहना बेटा एक्चुअली टाइम हो चुका है, एक काम करो अब यहाँ से वापस चले जाओ घर। और ये अंकल इतना मज़ारा बढ़िया है, सी शोर है, क्या ठंडी हवा चल रही है, हम तो यहाँ बैठे हैं, क्या है सब बढ़िया है। कह रहे बेटा अभी वो आएगा, ज्वार आएगा, पानी चढ़ेगा, हाई टाइड होगा और ये सब जगह डूब जाएगी, इतना कितना पानी है, अरे जितना है उतना ही तो रहेगा, थोड़ी लहरी तो ऊपर नीचे हो जाएगी। उस बुज़ुर्ग ने बहुत कहा बहुत कहा, वो जवान नहीं माना। क्यों? हम तो साइट सीइंग पे, अक्सर टूरिस्ट मरते हैं, अक्सर जितने भी टूर पे जाते हैं, एक बात का ध्यान रखना, जो भी कहीं जाता या जाएगा भविष्य में, ध्यान रखना टूरिस्ट, चाहे सड़क पे जाओ, चाहे जंगल में जाओ, चाहे पानी में जाओ, चाहे पहाड़ पे जाओ, जो सरकारी साइन बोर्ड लगे रहते हैं उनको पढ़कर उसके हिसाबिक बिहेव करना, उसको डिसओबे मत करना। अगर वहाँ लिखा है कि यहाँ पे सड़क टूटी गड्ढा है तो मान लेना टूटी और गड्ढा है, अगर वहाँ लिखा था साइड में हो जाए तो साइड में हो जाना, कहीं लिखा मिले ये खतरनाक यहाँ पर पानी गिरता है तो उसको खतरनाक गिरने, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा साफ है, आपको कहना भड़ाम से आएगा एकदम टनों पानी और आपके बोझ से ही मार देगा, तो सिग्नल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस जवान ने नहीं माना, अल्टीमेटली पानी आया, जो आया 100-150 फुट ऊंचा और ले करके साफ, और जब उतरता है पानी, पानी चढ़ जाता है। देखिए हमारे जो नेवी वाले हैं और मर्चेंट नेवी वाले हैं, वो तो जब उन्हें मालूम है पानी चढ़ेगा तो जल्दी से शिप को लेकर के आओ, माल जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, और 8-10 घंटे में जल्दी माल उतारो, क्योंकि उसके बाद जो पानी लौट के जाएगा
तो आपका जो जहाज यहाँ खड़ा है ना, ये भी समुंदर में 20 किलोमीटर तक निकल जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसी जाएगा वो टिक्कल की तरह बहता हुआ। सो मर गए, क्यों? क्योंकि वार्निंग को ध्यान नहीं दिया, हीड नहीं किया। तो तूफान आने वाला है, इसकी चेतावनी दी जाती है, और जो लोग मान लेते हैं सो बच जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो बचते हैं, नहीं बच पाते हैं। देखिए, चेतावनी हमेशा, खुदा का भी ऐसे ही मेथड है, किसी भी काम को खुदा नहीं करता जब तक कि पहले चेतावनी अदा दे, ख़ास तौर से जजमेंट में, सज़ा देने में, मारने में, परेशान करने में। खुदा कभी भी विदाउट वार्निंग काम करता ही नहीं है, और उसकी वार्निंग कभी शॉर्ट टर्म होती है, कभी लॉन्ग टर्म, जनरली जितनी आवश्यकता उससे फालतू समय खुदा देता है, फालतू समय देता है खुदा। खुदा चेतावनी देगा, मालूम पड़ा 6 महीने आपने ध्यान नहीं दिया, खुदा ने आपको 1 साल पहले चेतावनी दी, मान लो 6 महीने हो गए नहीं ध्यान दिया, 3 बार कुछ नहीं होता, अब बेकार की बात है, मुझे लग रहा वहम था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, 8 महीने निकल गए, 10 महीने निकल गए, अल्टीमेटली जब 1 साल हुआ, 12 महीने वही वाली बात जो चेतावनी दी थी धड़ाम से अपने ऊपर आ गई, और फिर कुछ नहीं कर सकते। जब तूफान आता है, जब लैंडस्लाइड होता है, जब बर्फ़ गिरती है, पहाड़ का पहाड़ टूटता है, जब बाढ़ आती है, उस समय समय नहीं मिलता तैयारी का, प्रिपरेशन का। याद रखना, ये तूफान उफान ऐसी चीज़ें हैं, बाढ़ ऐसी चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे कि ये पहाड़ है बहुत बड़ा, वहाँ मालूम पड़ा एकदम से बर्फ़ गिरना, धंसना शुरू हुई, तो धर सॉरी बर्फ जो है, जितने लोग कोई थे ना, वो 50-50 फुट बर्फ के अंदर दफन हो गए, अब तो धक्का दे के बर्फ भी नहीं उठा सकते। जब बादल फटता है, बादल फटा तो मट्टी और कीचड़, जैसे कहते हैं गारा बहता हुआ चला रहा 25 फुट मोटा, और आपको लीपता हुआ डुबाता हुआ यूं चला गया, पता नहीं इस गारे के नीचे कितने गाँव और कितने लोग दफन हो चुके हैं। जब बाढ़ आती है, जैसे बांध टूटता है या बाढ़ आती है, देखा है कैसी बढ़िया जमुना में जब बाढ़ आती है कितना अच्छा स्पीड रहती है उसकी, हैं जरा सा उसमें एक बार उतर के देख लो, उतरते साथ ही यज्जा और वज्जा पकड़ नहीं पाओगे। मेहरौली में अगर बरसात में चप्पल उतर जाए ना तो आप पकड़ नहीं सकते, इतनी स्पीड में आता पानी है। मेहरौली की सड़क पर जब पानी बहता ना, पहाड़ी तो है ही है, बारिश आती ना सड़क ऐसे बहता जैसे नाला बह रहा बहुत तेज स्पीड में, अगर आपकी चप्पल निकल गई वो इतनी तेज भागेगी आप पकड़ नहीं सकते अपनी चप्पल, वो तो सीधे दादावाड़ी होते जने कहाँ जाएगी। हैं ले हैं बताइए, और कोई कहे बताए बच्चों सुनो पीछे से बहुत तेज पानी, नहीं आंटी आप तो वैसे ही कह रही हैं हमें डराने के लिए, हमें बड़ा मजा आ रहा है। तो उसके बाद जो आएगी ना स्पीड में, तो मालूम पड़ा बच्चा उड़ करता गड़ मड़ गड़ गड्ढ मड मड पता नहीं मरता कटता छिलता बहता बच्चा ही निकल गया, बाकी भी जो गिरा गंदे नाले में तो उसका भी नहीं पता पड़ा कहाँ गया। सो जब जजमेंट आता है तो उसके बाद समय नहीं मिलता। अर्थक्वेक की चेतावनी आ गई, साइंटिस्ट ने दे दी कि भाई कल अर्थक्वेक आएगा, आपके पास मौका, जल्दी कर लो इंतज़ाम। लेकिन जब अर्थक्वेक आ ही गया उसके बाद कितना टाइम मिलता। हमें एक ट्रेनिंग दी गई अर्थक्वेक मैनेजमेंट, हमने चलो देते भाई सरकार भेज दिया, हमारा नाम सर ये इनको ले जाओ ये एक्सपर्ट है, हमने हमें सिखा दो हम सबको सिखा देंगे। सीख के आ गए, जब अर्थक्वेक आए तो बच्चों ऐसा करना, डेस्क के नीचे घुस जाना, अपना बस्ता सर पे रख लेना, ये कर लेना, लाइन में निकलना, इस गेट से चढ़ना, उस गेट से उतरना, टकराना मत, कॉमोशन नहीं होना चाहिए, स्टैम्पीड ना हो, सब समझ सिखा दिया हमने। सुनो ये तो रहा सबका, अब हमारी सलाह सुनो। मैंने बेटा मिलेगा सेकंड एक सेकंड में ना तो लाइन बना पाओगे, ना बस्ता उठा पाओगे, ना डेस्क के नीचे घुस पाओगे, वहां तो एक जहां से रास्ता मिले भाग, हाँ भाई टाइम मिलता, इतनी स्पीड में भूकंप आता है उस भूकंप में अब तुम प्लेन में लाइन से चलो इतनी देर रुकेगा भूकंप, तुम्हें बिल्डिंग समेत ले जाएगा कब्रिस्तान में। मत जितनी सब भूल जाते हैं, जब भूकंप आता सबकी अकल हो जाती फेल, जो भाग लिया सो भाग लिया,
कूद लिया सो कूद लिया, वरना तो बाकी मलबे ढेर से निकल ही आएंगे बाद में। तो जब जजमेंट आता है भूकंप, तो समय नहीं मिलता बचने का। बाढ़ का पानी केदारनाथ में कितनों का मिला टाइम है, आज तक लाशों का पता नहीं पड़ रहा, सेंटेनरी भी हो गई उसकी। कंकालों का पता नहीं पड़ा, कहीं कहीं मिल जाते कंकाल तो अंदाजा लगाते हैं ओहो ये केदारनाथ का बहाव हुआ ही होगा, क्योंकि घड़ी पहने हैं, वही होगा। केदारनाथ के इतना वो इतना कीचड़ पानी आया कोई कोई नहीं बच पाया, बर्फ आई कोई नहीं बच पाया, सुनामी आई तो अमेरिका से जापान तक, यहाँ तक मद्रास तक, अपने चेन्नई तक नहीं बच पाए लोग बाग। भूकंप आया, बस यही खबर आती भूकंप आया था इतने मरे, बाढ़ आई थी इतने मरे, बादल फटा था इतने मरे, स्टॉर्म आया था इतने मरे, साइक्लोन था, मरनों की खबर आती है, बचने वालों की नहीं आती। क्यों? जजमेंट ऑफ गॉड इज सो फास्ट यू कैन नॉट सेव योर लाइफ बिकॉज टाइम इज ओवर। सो व्हेन द अनाउंसमेंट इज देयर, वार्निंग इज देयर, वन शुड टेक ए स्टेप। चेतावनी दी जा रही है, उस समय कर लो इंतजाम, वरना उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। बहुत से लोग क्या होता क्या है कि जैसे योहन्ना 5:24 में लिखा है कि जो मेरे वचन सूत्र पर विश्वास करता है, जिसे मैंने भेजा है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। बस बात खत्म, हमने विश्वास कर लिया, मृत्यु से पार, जीवन में प्रवेश, स्वर्ग राज हमारा, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, आप विश्वास कर ही नहीं सकते। 12वें अध्याय में लिखा है पहले कुरिन्थियों में, कोई बिना पवित्र आत्मा के कह ही नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। बैप्टिस्ट तो इसी बात पे आधारित है, इवन चर्च ऑफ क्राइस्ट इस बात पे आधारित है। जब हम छोटे थे क्रिश्चियन एंडेवर में जाया करते थे, क्रिश्चियन एंडेवर प्रेसिडेंट भी रहे, सब कुछ रहे, तो क्राइस्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट में हमें सिखाया जाता था कि जो चेला बन गया बस उसका काम हो लिया पूरा। जिसने यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया, चेला बन गया, चेले का अपना गवाही दे जा, दो चार जहां तक पहुंच सके मार तोड़ कर करा ले, काम हो गया पक्का। बैप्टिस्ट ने बताया पहला कुरिन्थियों में लिखा 12वें अध्याय में कि कोई बिना पवित्र आत्मा के कह ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु है, बिल्कुल सही आयत लिखी हुई है। तो चूंकि हम कहते हैं यीशु प्रभु है, पवित्र आत्मा मिल गया, अब हम काय को अन्य भाषा और भविष्यवाणी और ये और वो के चक्कर में पड़े। हमने कह दिया यीशु मसीह उद्धार करता, कहो पब्लिकली जहां मर्जी कहलवा लो। तो चूंकि हम कह रहे हैं इसलिए पवित्र आत्मा हमें मिला हुआ है। ऐसी ऐसी धारणाएं लोगों ने बना रखी है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के साथ, जबकि बाइबल बताइए मैसेज बता रहा है कि जब तक आपको, यूं तो लिखा है रोमियों 10:10 आयत में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा सो उद्धार पाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख हो ईसाई, जो कहते यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह हो गया उद्धार, जो कोई प्रभु का नाम लेगा सो उद्धार होगा। आगे पे विश्वास किया ही नहीं उसका नाम क्यों ले, जिसकी सुनी नहीं उससे प्रार्थना क्यों करें, जिसकी मानी नहीं उसके पीछे क्यों चले। करते करते वो यहाँ तक ले आएगा कि जब तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रायश्चित करके बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाके, आपका बपतिस्मा नहीं होगा पाक रूह से, तब तक आपका यीशु नाम लेना व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ इस सेंस में कि आपको नजात नहीं दे पा रहा है। तो लोगों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन लगा रहे, यार ये बहुत प्रीचिंग करते रहे, बताते रहे, बोलो यार। नबी कहते बहुत अच्छी चीज़ है, यू शुड नॉट बी प्रोफेसर ऑफ क्रिश्चियनिटी बट यू शुड बी पोजेसर ऑफ क्रिश्चियनिटी। आप केवल कहने वाले ना बनो कि हम क्रिश्चियन हैं, बल्कि मसीहत को कब्जा करके अपनी जिंदगी में अमली जामा दे दो, ताकि मसीहत तुम्हारे अंदर दिखाई दे। बजाय इसके आप प्रचार करें, आप जिंदगी में सरमन को जी कर दिखाएं। डोंट प्रीच द सरमन, लिव द सरमन। जो भी मैसेज है उसको प्रचार चाहे ना करो, उस सरमन को अपनी जिंदगी में मुजस्सम करके जिंदगी जी करके दिखाओ, यह है सही बात। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मनमर्जी से चले जा रहे हैं और बिना पवित्र आत्मा की जिंदगी जी रहे हैं। एक बार ब्रदर ब्रैनम एक मीटिंग में पहुंचे, बहुत बढ़िया कन्वेंशन चली उनकी जर्मनी में, और बहुत से लोगों ने कहा कि जो पास्टर लोग थे मिनिस्टर लोग थे, और अमेरिका से इंग्लैंड से जर्मनी से फ्रांस से इधर से थे, बहुत सारे मिनिस्टर जमा हुए, और उन्होंने कहा कि ब्रदर आज दोपहर में एक लंच है, मिनिस्टर्स लंच है। चलो भाई, ब्रदर ब्रैनम भी चीफ चूंकि स्पीकर थे तो बुलाए गए।
अब वो जो लंच शुरू हुआ तो उसके पहले बियर सेशन था, सारे पास्टरों का बियर सेशन था जर्मनी में। तो ये बैठे थे अपने, कहला कोई नहीं पियो, सब पी रहे थे, ये बैठे थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई ब्रैनम नहीं पी रहे बियर, ऐसा लगता है इनके स्टैंडर्ड की शायद नहीं है, सस्ती वाली आ गई है, पूछ लो भाई, मतलब ये वाला ब्रांड अच्छा नहीं, आपका जो फेवरेट ब्रांड हो तो बताओ, फिर वही वाली लाते हैं। पूछा इनसे कि ब्रदर आप मतलब अच्छी नहीं लगी, क्या कोई अच्छा पर्टिकुलर ब्रांड है जो आप पीते, पहले सिगरेट ब्रैनम आपका? कहले भाई मैं नहीं पीता, आप लोग पियो, गो अहेड, आई डोंट कंडेम यू, ओके गो अहेड। तो डॉक्टर गुगन थे, डॉक्टर गुगन जो ट्रांसलेटर थे, उनने कहा कि ब्रदर सब पूछ रहे हैं चक्कर क्या है, आप क्यों नहीं पी रहे, कोई ब्रांड का चक्कर है या टाइम का है कुछ ऐसा? इन्हें कहा देखो भाई मैं खुदा का नज़ीर हूँ। अब क्या जवाब दें ऐसे को, क्या समझाएं? देखो जबकि सब पास्टर हैं, सारे प्रीचर्स हैं, इन्होंने कहा कि ब्रदर आई एम ए नाजराइट, और नाजराइट होने के नाते से मैं शराब को छू नहीं सकता, पी नहीं सकता, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, आप लोग पियो, मैं बियर वियर नहीं पी सकता, मैं नाजराइट हूँ। तो उन्होंने बता दिया ऐसा, चल गई गाड़ी, उन्होंने ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक रहे, और बाकी अपने दारू वारू पीते पाते रहे, सब काम चलता रहा। बहुत सारे बात ऐसा होता है, चेतावनी दी जाती है और चेतावनी को लोग पालन करते, बहुत से नहीं। नूह था बेचारा, नूह के ज़माने में, छोटा मैसेज आज, नूह के ज़माने में खुदावन ने कहा कि इससे पहले कि पानी से डुबा कर दुनिया बर्बाद हो, उसने एक वार्निंग दी, और वार्निंग देने वाला एक बंदा रखा जिसका नाम नूह था, और कहा भैया ज़बरदस्त तूफान आएगा, आंधी आएगी, पानी आएगा, बारिश आएगी, इतनी आएगी कि सारी पृथ्वी डूब के बर्बाद हो जाएगी, ऐसा है तुम अपनी जान बचाने के लिए बाबा नूह के पास आ जाओ। नूह ने कहना चालू कर दिया खुदा के नाम पर, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू करा, ठट्टा किया उसका, बात को नहीं माना, चेतावनी को नहीं माना, और लगभग इतना बड़ा जहाज बनने में 100 साल लग गए, और नूह भी लगभग 120 साल तक प्रचार करता रहा करता रहा। कितना लंबा टाइम है, 100 साल बहुत होता है, 5 साल बहुत होता है, 1 साल बहुत होता है, लोग तो ऐसे जल्दबाज हैं, भैया आपने आज बात कही अगले हफ्ते तक हो जाना चाहिए, अगर अगले हफ्ते तक नहीं हुई तो हम उसको टाल देंगे कि अरे छोड़ो यार इस पे ध्यान ही नहीं देते, आपने दुआ करिए 2 दिन में बीमारी ठीक हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुई ना 1 हफ्ते में, अरे छोड़ो दुआ बेकार गई, कोई और आइटम देखते हैं, मुसीबत आई हुई है करो ना दुआ जल्दी, अब आज नहीं तो कल तक तो हो जाएगा ना ब्रदर, कल तक तो हो जाए ना, 3 दिन में तो बहुत कुछ हो जाता, 3 दिन में ना चाचा वो लाजर को भी जिंदा कर दिया था, 3 दिन का मरा था, 4 दिन का सड़ा था, 3-4 दिन में तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन खुदावन ने लगभग 100 साल का टाइम दिया, दुनिया को चेतावनी दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ सुधर जाओ, नहीं माना। और जिस दिन नूह कश्ती में घुस गया, दरवाजा बंद हो गया, पहली बौछार पड़ना शुरू हुई इतिहास की, नीचे से सोते फूट के पानी चढ़ने लगा, पहाड़ तक डूबने लगा, कश्ती पहाड़ पे बनाई थी, कोई समुंदर के किनारे तो बनाई नहीं थी नूह ने, पहाड़ के ऊपर बनाई थी, और धीरे धीरे पानी आते 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 इतना आया कि अब है कोई मौका घुसने का, अंदर छलांग लगा दो, कोई ऐसी रस्सी लाओ, कुछ ऐसी जुगाड़ लगाओ कि चढ़ करके कोई फेंको ना गोहेरा, कोई फेंक फाँक करके घुस जाओ ना कश्ती में नूह की। जब जजमेंट शुरू होता, भाई और बहनों याद रखना, जिस समय जजमेंट ऑफ गॉड शुरू होता है उसके बाद नो चांस टू सेव योर लाइफ, एक भी नहीं बचा। क्या कोशिश नहीं करी लोगों ने? आप क्या सोचते कोशिश करी होगी कश्ती में जाने की? ऐसा भाई जब भागते समय जान बचा के जब लोग भागते हैं ना, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं स्टेडियम के बड़े बड़े कोलोजियम के, तो लोग बाग जने कैसे कैसे करके दीवारों तक पे चढ़ जाते हैं, जुगाड़ लगा के एक दूसरे का मर्डर करके चेन बना के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो क्या पानी चढ़ते समय नूह की कश्ती में घुसने की कोशिश नहीं करी होगी? बहुत करी कोशिश, लेकिन आफ्टर जजमेंट स्टार्टेड देयर वॉज नो चांस टू एंटर द आर्क ऑफ द नोवा, एक भी नहीं बचा, मारे गए। लंबा प्रचार हुआ। एक और बार मुसीबत आने वाली थी मूसा के ज़माने में, मिस्र देश में सभी लोग थे,
और मूसा ने प्रचार करना शुरू करा, सुनो भाई इसराइलियों, निकासी की रात है, सुन लो, मेमना जबा करो, खून लगाओ चौखटों पे, बाहर दीवार पे, दरवाजे पर, और घर के अंदर रहो, क्योंकि आज मौत का फिरिश्ता निकलेगा। अच्छी खासी चेतावनी। ऐसा नहीं हुआ कि भैया हमारे तो किसी ने बताया ही नहीं, अच्छा क्या हो रहा है, ब्रदर मोसेस ने कुछ ऐलान किया है, हमारे मोहल्ले में तो कोई आई नहीं, गोशेन कोई छोटी जगह तो है नहीं, गोशेन तो समझो पूरा जैसे यूपी का स्टेट, यूपी तो खैर बहुत बड़ा हो गया, मान लो छोटी सी स्टेट मान लो 4-6 जिलों के बराबर, 4-5 जिलों के बराबर, मान लो मेरठ है, गाजियाबाद है, इधर गुड़गांव है, दिल्ली है, बागपत है, सोनी, इतों को मिला लो, इतना बड़ा गोशेन है। इतने बड़े गोशेन में अनाउंसमेंट हो रहा है मोसेस का, तो अनाउंस करने वाला एक ही आदमी थोड़ी, बहुत ढेर सारे हैं भैया, हमारे तो खबर ही नहीं पहुंची और मालूम पड़ा मौत का फरिश्ता आ गया। ऐसा नहीं है, एक भी व्यक्ति इसराइली तो छोड़ो मिस्री भी नहीं कह सकता कि हमारे पास ये चेतावनी नहीं आई, हमने भैया नहीं सुना कि मेमना जबा करके खून लगा लो, हम पे खबर ही नहीं आई। खुदा इतना जस्टिफाइड गॉड है कि वो किसी भी इंसान को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं देता, किसी को भी मौका ही नहीं देता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी वार्निंग हर किसी पे पहुंचा देता है जितने लोग उससे कनेक्टेड हैं। और मूसा बोलता रहा, कहता रहा खुदा मारने वाला है, और देखो मौत का फरिश्ता आएगा, पहले उठो को जान से मारेगा, इसलिए तुम लोग अपने अपने घर के अंदर खून लगा के आ जाओ। उस जजमेंट को प्रीच करता रहा, खूब करता रहा, सबने सुना, जिन्होंने ध्यान दिया दे दिया, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया नहीं दिया। और फिर क्या था, जब पहलौठा मरा फिर रोना चीखना पुकारना दर्द, सुने कि कल आसमान से आग गिरेगी, चलो भाई यहां से निकल लो, इस वार्निंग को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और अल्टीमेटली हुआ ये, हाथ पकड़ के घसीट के खींच करके लूत और उसकी बेटियों को लेकर के दूत भागते हैं, रगड़ते रगड़ते, वो भी भारी पैरों से चल रहा था, यहां तक कि वो कहता भैया ज्यादा नहीं भागा जाएगा, थोड़ा यहीं तक करो, प्लीज प्लीज। अल्टीमेटली चेतावनी को नहीं सुना, लेकिन जब आग आसमान से गिरी, जिसको आज तक लोग देखने जाते हैं, जो बिल्कुल इलाका ग्रे कलर का, काला ग्रे कलर का मिट्टी वहां की हुई पड़ी है आज तक, सदोम अमोरा जो लहलाता हुआ हरियाली वाला इलाका था, मोस्ट फर्टाइल लैंड था, अदन की वाटिका जैसा, सदोम के बारे में लिखा है, सदोम इतना उपजाऊ इलाका था जैसे अदन की वाटिका, ऐसा था। और आज वहां रेत, रेगिस्तान, जली हुई मिट्टी, राख कलर की, ग्रे कलर की पाई जाती है। आग गिरी, अब जब आग गिरना शुरू हुई, उसके बाद भागना शुरू करो ना, अपनी टॉप गियर डालो ना, जिसका पिकअप अच्छा है गाड़ी का, आते ना ऐड आते हैं, इन 10 सेकंड्स हमारी, हमने कंपनी ने जो कार बनाई है, 5 सेकंड के अंदर हमारी कार जो है 100 की स्पीड पार कर जाती है, तो जो नहीं निकलना, जो रह गए हैं, अपनी गाड़ी जल्दी स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करके फास्टेस्ट, फार्मूला 1 को भी फेल करते हुए, इतनी तेज गाड़ी लेके भागो कि निकल जाओ। लिखा एक भी नहीं निकल पाया। इस बात को ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, when the judgment strikes nobody can save his life, even a single person cannot save his life। जब जजमेंट आया, सजा आई, ऐसा नहीं भैया वो सदोम में थे 20 लाख लोग थे, खैर चलो 8-10 लाख लोग तो मर गए, लेकिन 10 लाख लोग जो किनारी बाउंड्री पे थे ना, चुंगी पे, वो कहीं से बच के निकल गए, जी नहीं, सारे, जब खुदा जजमेंट पे आता है तो फिर सारे ही मरते हैं, कोई नहीं बचा, सदोम हमारा पूरा का पूरा साफ हो गया। यीशु मसीह, आज यीशु मसीह का भी यही हाल है, यीशु मसीह भी द्वार पे खड़ा हो, कहता मैं ही द्वार हूं, आई एम द डोर। यीशु मसीह अपने द्वार पे खड़ा हुआ,
आज भी आवाज दे रहा है, आज भी खटखटा रहा है, आज भी चेतावनी दे रहा है, देखो जबरदस्त तूफान आने वाला है बर्बादी का, सुन लो मेरी आवाज। तो हो क्या रहा है, यीशु मसीह के बिहाफ पर जो मिनिस्टर्स हैं उस भेड़शाला पे खड़े होकर के, भेड़शाला क्या, कलीसिया है, कलीसिया वो झुंड है, वो भेड़शाला है जहां पर खड़े होकर के गॉस्पेल मिनिस्टर थे, चिल्ला चिल्ला के लोगों से प्रचार भी कर रहा, प्लीडिंग भी कर रहा, कांग्रीगेशन को बता रहा है भाई सेफ्टी में आ जाओ, सेफ्टी में आ जाओ, बच जाओ बच जाओ, मौत आ रही है, मुसीबत आ रही है, चिल्ला रहा। देखें कितने ध्यान देते हैं, लोगों की आदत हो गई है कई जगह, अरे इनका काम है बोलना, हमारा काम है इस कान से सुनना, इधर से निकाल देना। हम तो 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए चर्चेस लिए जाते हैं कि एक रास्तबाजी का एक्ट करके आ जाएं कि हम भी क्रिश्चियन हैं। इनका फर्ज है कहना, हमारा फर्ज है सुनना, करना किसने है, किसके बस का है कर पाना, बड़ी मुश्किल बातें हैं। तो लोग ताल मार जाते हैं, कितनी बार चेतावनी गॉस्पेल प्रीचर देता है, लोग ध्यान नहीं देते। मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि गॉस्पेल प्रीचर जब यहां से बोले तो गोशेन तो उसको सुन ले, मत सुने बाहर वाले, गोशेन तो सुन ले। अब जो सुन लेगा सो जान बचाएगा। चक्कर क्या है, द पीपल आर कंफर्टेबल विद द सिनफुल लाइफ। बात क्या है, अपनी गुनहगार जिंदगी में संतुष्ट हैं लोग, इसलिए गॉस्पेल प्रीचिंग उन्हें सुनना और चेतावनी सुनना और फॉलो करना भारी पड़ता। क्यों भैया, हमें चाहिए एक बढ़िया सा मकान, मिल गया, हमें चाहिए एक बढ़िया नई मॉडल की कार, मिल गई, हमें चाहिए एक बढ़िया सा बिजनेस, चल गया, हमें चाहिए थोड़ा सा नेम एंड फेम अपने शहर के हिसाब, मोहल्ले के हिसाब से, और वो बढ़िया चल रहा है। अब भाई इसमें कुछ ऊंच नीच तो होती ही है, थोड़ा तो चलता ही है भाई, इतना तो निभाना ही पड़ता है, अगर ये ना करेंगे तो फिर भाई ये सम्मान कैसे मिलेगा, ये ना करेंगे तो भाई ये मकान कैसे मिलेगा, ये ना करेंगे तो वो कार कैसे मिलेगी, ये ना करेंगे तो भाई शादी ब्याह कैसे होगा, इसलिए चलो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो लोग सिनफुल जिंदगी में कंप्रोमाइज करे बैठे हैं, इसलिए चेतावनी आती है जाती है, आती है जाती है। चेतावनी देने वाला तो यह भी चेतावनी दे रहा है कि सुनो, हल्की बौछार नहीं, तूफान आ रहा है, हल्का जजमेंट नहीं, बहुत भयंकर जजमेंट आ रहा है, छोटी मोटी रगड़न छिलन नहीं, मौत आ रही है। लेकिन अगर भाई आपकी बात को मानते हैं तो फिर हमारी कंफर्टेबल लाइफ का क्या हाल होगा। They need comfort. और नबी कहता है this Laodicea is a comfort loving age. और ये सही बात है, हम चाहते हैं हमारे बैठे बैठे बटन से हो जाए, क्योंकि हम लोग इस युग में हैं, हम लोगों का भी यही हाल है। अरे किक मारने वाली बाइक क्या ले रहा है, वो बटन वाली ले आओ यार, 2000 फालतू ही तो लगेंगे उसके, भैया 2.5 ले लो, लेकिन बटन वाली हमें चाहिए स्टार्ट, किक मारने में भी तकलीफ है। अरे वहाँ कौन जाए, यहीं से रिमोट वाला कर दो ना काम, अब लाइट का भी स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है, ऐसा है ना, बेड पे बैठे बैठे ऑन कर दिया ट्यूबलाइट और ऑफ कर दिया, वो भी आ गए हैं। कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट नॉन क्रिश्चियंस को नहीं चाहिए, क्रिश्चियंस को भी चाहिए। कंफर्ट नॉमिनल क्रिश्चियन को नहीं, ब्राइड को भी चाहिए, क्योंकि ये हवा ऐसी है जो सब पे लगती है, किसी पे थोड़ा असर डालती है, किसी पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। और ऐसी कंफर्ट लविंग जिंदगी में हम अपने गुनाह के साथ बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं, और लोग क्या चाह रहे हैं, यार रोटी कपड़ा मकान ठीक से चलता रहे, बस यही तो चाहिए हमें। इस रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में गुनाहों से समझौता करे बैठे हुए बहुत सारे लोग, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं पकड़ में ना आता हो, हम अपनी बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड यू, हम सब ऐसे हैं, कहीं ना कहीं हमने समझौते किए हुए हैं अपने कंफर्ट को, अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। वो मेरे पे भी लागू है, वो आपके ऊपर भी लागू है। लेकिन चेतावनी देने वाला जो खुदा है वो मुझे भी चेतावनी दे रहा है और आपको भी चेतावनी दे रहा है कि देखो भाई
तूफान आने का समय हो चुका है, बर्बादी का समय हो चुका है, एक काम कर लो, समय से पहले इंतजाम कर लो। अच्छे हो तो इंतजाम कर लो, जिंदगी खराब है तो इंतजाम कर लो, तूफान से आने वाला है। और आप सभी जानते हैं छठी मोहर के दौरान कैसा तूफान आने वाला है, छठी मोहर वाला तूफान कैसा है, उसमें दुनिया का कोई प्राणी नहीं बचने वाला, एक शहर गांव कस्बा तो छोड़ो, देश दुनिया में कोई बचने वाला नहीं है। और इस प्रकार के तूफान की चेतावनी खुदा का कलाम हमको दे रहा है। तो मैं और आप अगर कंफर्ट के साथ गुनहगार जिंदगी को सीने से लगाकर जी रहे हैं, तो मैं फिर कहूँगा आज हम ये चेतावनी ले जाएं, अपने कंफर्ट को थोड़ा सा हटा लो भाई, अपने नुकसान को सह लो थोड़ा सा, दुख को थोड़ा सा ले लो, अपने पर्स को थोड़ा सा घटा दो, अपने सुखों को थोड़ा सा काट दो, अपनी सुविधाओं को थोड़ा चले ही जाने दो, लेकिन जान बचा लो, जान बचा लो। पिछले संडे हमने कितनी अच्छी बात देखी थी कि खुदा ने फकीर फरीसियों की बाहर की जिंदगी को नहीं देखा, अंदर की जिंदगी को देखा। बाहर उन पे उंगली रखने भर की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उनके दिल के अंदर जो घमंड और सड़ाहट और दोष और ये और वो पाया जाता था, खुदा ने बाहर नहीं अंदर देखकर रिजेक्ट कर दिया। पतरस याकूब यूहन्ना के बाहर कोई खूबसूरती नहीं थी, यहाँ तक कि पतरस ने इनकार भी किया, मैं यीशु को नहीं जानता, लेकिन उसके दिल को फाड़ के देखा तो जो खुदा की मोहब्बत भरी हुई थी, खुदा ने उसको रिसीव कर लिया। आज आए इन टाइम चर्च में आप जाइए, बाकी छोड़ दो, एक से एक आपको बाहर से दिखाई देने वाले आपको बड़े से बड़े क्रिश्चियन दिखाई देंगे। उनका पहरावे देखो, उनके बाल देख लो, उनकी शक्लें देख लो, उनकी टाइमिंग देखो, दुआ बंदगी के दिन देख लो, कोट्स देख लो, आर्टिकल्स देख लो, आयतें देख लो, नॉलेज देख लो, ई बुक देख लो, क्या कुछ देखना चाहोगे, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट। लेकिन जब अंदर से झांक के देखा दिल में क्या है, तो घमंड है, नफरत है, जलन है, धोखा है, लालच है, फरेब है, ऊंच नीच है। खुदा आज भी दिल को देख रहा है और रिजेक्ट कर रहा है। हम और आपके अंदर क्या है, हमारी बाहरी जिंदगी में बहुत गुनाह हैं, बहुत बुराइयां हैं, हमारी बाहरी जिंदगी में हम इनकार कर जाते हैं, हम झूठ बोल जाते हैं, हम हेरा फेरी कर जाते हैं, 420 कर जाते हैं, गाली गलौज कर जाते हैं, लालच कर जाते हैं, चोट दे जाते हैं, जाने क्या क्या हम बाहर करते हैं, गोशेन के लोग। लेकिन जरा अंदर दिल में झांक के देखो, आपके दिल में खुदा के प्रति प्यार कितना है, तो मालूम पड़ेगा भाई उसके लिए हम मरने को भी तैयार हैं। अभी जान ले लो हमारी, प्रभु के लिए हम जान देने को तैयार हैं, प्यार भी इतना करते हैं। आज गवाहियां सुन रहे थे हम, बहुत अच्छा लग रहा था, खुदा के प्यार को देख करके दिल उमड़ता है, आंसू निकलते हैं, केवल दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, लेकिन अंदर प्यार का समंदर उफान मारता है। तो इतना हम ये दावा नहीं करते कि सबसे ज़्यादा हम खुदा से प्यार करने वाली कलीसिया हैं, लेकिन खुदा ने इस बात को देखा है, तो ये ऊटपटांग से लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करते हैं, चलो इनकी थोड़ी नज़रअंदाज कर देते हैं, कर दिया आज तक। जैसे रोमी के पत्र में लिखा है, अज्ञानता के समयों से उसने हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब अंत के समय में मन फिराने की आज्ञा देता है, वो हम पे लागू होती है। हमारे पापों को नजरअंदाज किया, खताओं गलतियों को खुदा ने छोड़ दिया, नहीं ट्रीट करा, लेकिन अब हमें मन फिराने की आज्ञा है। किससे? आने वाले तूफान से बचने के लिए जहां हम गलत पाए जा रहे हैं उनसे भाई मन फिरा लो, नुकसान होने दो, दुख थोड़ा सा झेल लो, अनकंफर्टेबल हो जाओ, खुदा का प्यार तो दिल में रहेगा ही रहेगा, वो नैया बचा कर ले जाएगा, डूबने से बचा लेगा। तो हो क्या रहा है लोग, दे आर सो कंफर्टेबल इन सिन, जबकि होना क्या चाहिए था, एंड वी हैव लेफ्ट ऑफ द मेन थिंग, और असली चीज हमने छोड़ दी, जजमेंट मतलब न्याय करना, सही सही चीज, राइचियसनेस धार्मिकता, पावर ऑफ द होली घोस्ट, रिजरेक्शन, इटर्नल जजमेंट, इन बातों का ध्यान रख के हमें जिंदगी जीना चाहिए। अरे धार्मिकता भी कोई चीज है,
पवित्र आत्मा की जिंदगी भी कोई चीज है, बपतिस्मा भी कोई चीज है, पुनरुत्थान भी होने वाला लोगों का हम उसमें कहां पर हैं, और हर चीज को राइटली प्लेस करना, राइटली फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब मिस्र में मौत आई, द इजिप्शियन डॉक्टर विच वॉज फार स्मार्टर देन अवर्स टूडे कुड नॉट स्टॉप द प्लेग ऑफ गॉड। मिस्री डॉक्टर जिनकी आज तक उदाहरण दिए जाते हैं, मिस्र में जो ममीज बनाई जाती थी हजारों साल तक, जो बॉडी सड़ती नहीं है उसके आज भी सैंपल रखे हुए हैं, वो मिस्री डॉक्टर जो इतने बढ़िया थे, जब खुदा का कहर नाजिल हुआ और जब मरना शुरू हुए पहलौठे, तो कौन सा डॉक्टर बचा पाया? भैया मेदांता में ले जाओ, एम्स में ले जाओ, मैक्स में ले जाओ, कौन से में ले जाओ, कहीं के ले जाओ, तुम यहां से अपलिफ्ट करके हैरिसन वाले यूएसए में ले जाओ, न्यूयॉर्क ले जाओ, शिकागो ले जाओ, कौन सा डॉक्टर बचा पाएगा या कौन सा बचा पाया? जैसे मैं पहले कह चुका, जब खुदा का जजमेंट स्ट्राइक करता है उसके बाद एक भी नहीं बचता। और जब खुदा का जजमेंट चल रहा था मिस्र में, तो इतने जो स्मार्ट डॉक्टर फिजिशियन हुआ करते थे, अरे फिरौन के लड़के को तो बचा लेते। टेन कमांडमेंट्स में आपने देखा, टेन कमांडमेंट्स में देखा होगा कि जब लगे रहे डॉक्टर वैद्य, मंत्र मारो चाहे कुछ भी करो, कुछ नहीं कर पाए। आखिर में रैमसेस ने भी उठाकर अपने बेटे को सुखार के आगे रख दिया। सुखार, सुखार देवता था उनका, कि सुखार देवता अब तो आप अपनी पावर डिस्प्ले करो। सुखार भी नहीं बचा पाया, क्योंकि जब खुदा मारने पे आता है तो वो बचाने वाला कोई है ही नहीं। वो कहता है, हे खुदा को भूलने वालों, भजन संहिता 50 में लिखा है, हे खुदा को भूलने वालों याद रखो, अगर मैं बचाने वाला ही मारने वाला बन जाऊं, फाड़ने वाला बन जाऊं, तो कौन है तुमको मेरे हाथ से छुड़ाने वाला? कोई नहीं है। वही मारने वाला, वही बचाने वाला, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो इजिप्शियन जो जीनियस डॉक्टर्स थे और फिजिशियंस थे, दे वर फार स्मार्टर देन अवर्स टुडे, कुड नॉट स्टॉप द प्लेग्स ऑफ गॉड, नाइदर कुड देयर सूथसेयर्स और देयर इंपर्सोनेटर्स। ना तो टोना टोटके वाले, ना मंत्र वाले, ना जंतर वाले, कोई भी नहीं बचा पाया। इट टुक गोशेन एंड द पावर ऑफ गॉड टू होल्ड हिज पीपल अंडर द ब्लड ऑफ ए लैम। ये तो सिर्फ गोशेन एंड द पावर ऑफ गॉड। जब ये शब्द आता किसी मैसेज में और अच्छा लगता है। गोशेन वो जगह थी जहां पर खुदा की मार नहीं थी। सब जगह ओले पड़े, गोशेन में नहीं पड़े। सब जगह कुटकियां डांस आए, गोशेन में नहीं आए। सब जगह अंधेरा रहा मिस्र में, गोशेन में नहीं अंधेरा रहा। सब जगह पहलौठे मरे, गोशेन में एक भी नहीं मरा। पिक्चर में तो दिखाया गया वहां उनके पड़ोस, मूसा के पड़ोस में ही मरता हुआ, बस वो फिल्म है। हो सकता कुछ थोड़े से वहां पे मिस्री भी रहते होंगे, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। लेकिन गोशेन में ना अंधेरा, ना ओला, ना आग, ना जानवर की मौत, ना इंसान की मौत, ना कुटकी, ना डांस। इट टुक गोशेन एंड द पावर ऑफ गॉड। अकेला गोशेन गोशेन ही नहीं कि गोशेन है तो बस, बस गोशेन का मतलब सब कुछ है। गोशेन विदाउट पावर ऑफ गॉड इज नथिंग। वी विदाउट गॉड आर नथिंग। खुदा सब जगह नहीं है, ये सौभाग्य है कि खुदा गोशेन में है। इट टू गोशेन एंड द पावर ऑफ गॉड टू होल्ड हिज पीपल अंडर द ब्लड ऑफ ए लैम। तो मेमने के लहू के तले और गोशेन में होने के नाते से एक बात बताइए, क्या मेमने गोशेन में जबा हुए थे या सारे मिस्र देश में जबा हुए थे? काम की बातें होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। जहां जहां इसराइली थे, कहां कहां थे इसराइली? सिर्फ गोशेन में थे इसराइली, सिर्फ गोशेन में रहते थे। और मूसा की बात को इसराइली मानने वाले थे, मिस्री नहीं। खुदा ने कहा था मूसा इसराइलियों से कह दे, उसने ये नहीं कहा था फिरौन से कह दे।
खुदा ने नहीं कहा कि मिस्रियों से कह दे सारे देश में ढिंडोरा पिटवा दे, अखबार में निकलवा दे, रेडियो पे टेलीकास्ट करवा दे। उसने कहा केवल अपने लोगों से कह दे जो इसराइली लोग हैं मुझ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मैं उनका खुदा हूँ और वो मेरे लोग हैं। इसका बयान सारी दुनिया में करने की जरूरत नहीं है। आई एम कंसर्न ओनली विद माई ओन पीपल। तो इसलिए जो प्रचार था, जो अनाउंसमेंट था, अनाउंसमेंट केवल गोशेन में था, इसराइलियों के लिए था, तुम अपनी जान बचाओ। मूसा ये बातें मिस्रियों को सुनाना है या इसराइलियों को? खुदा ने कहा हे मूसा इसराइलियों से कह दे, स्पेशल वर्ड से इसराइलियों से कह दे कि आज शाम को मेमना जबा करो, उसका खून चौकटों पे लगाओ, मेमने को कड़वे साग पात के साथ खाओ, भूंज कर खाओ, पानी में मत पकाना, उसका शोरबेदार कोरमा मत बनाना, खा जाओ, खा पाओ तो खाओ, लिखा है पड़ोसी तक को मत देना, किसी को मत देना, ना खाया जाए तो आग में जला के राख कर देना। लेकिन उसे ऐसा नहीं किसी, चलो वो रिक्शे वाले को दे देते, चलो उसको दे देते, वो इसराइली नहीं है मिस्री है, बेचारे को एक समय का खाना हो जाएगा। नो, डोंट शेयर दिस थिंग विद अदर्स। ये मेमना, अब आप सुनिए, बड़े बड़े विरोधाभास हैं। एक तरफ देखो आप, मेमना तो सिर्फ इसराइलियों के लिए है, और दूसरी तरफ एक मेमना खुदा ने जान से ऐसी मोहब्बत करी कि अपना बेटा बख्श दिया, सारी दुनिया के लिए दे दिया। तो क्या सारी दुनिया के लिए मेमना है? लगता है। लेकिन नए नियम में भी हे पिता मैं सबके लिए प्रार्थना नहीं करता, केवल उन्हीं के लिए करता हूं जिन्हें तूने जगत में से चुनकर मुझे दिया, वो तेरे थे और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। तो मेमना तो आज भी सिर्फ इसराइलियों के लिए है। आज हम इब्राहिम की संतान कहलाते हमारे लिए है, तो आज का भोजन हमारे लिए है। तो खुदावन ने मूसा से कहा था, मूसा इसराइलियों से कह दे कि ये भोजन इसराइलियों के लिए है, ये जान बचाने का मेथड इसराइलियों के लिए है, ये जान बचाने का मेथड मिस्रियों के लिए नहीं है। मिस्री अपने देवता के पास जाएं, मिस्री अपने राजा के पास जाएं, मिस्री अपने डॉक्टर के पास जाएं, मिस्री अपने सूदसेयर्स के पास जाएं और अपनी जान बचाएं। तुम्हारी जान बचाने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो आज मेरी और आपकी जान बचाने का मेथड खुदावन हमें और आपको दे रहा है। मत लेना इसको धीमे से कि हल्की वार्निंग है। तूफान तो फिर तूफान ही है, ये उड़ीसा का तूफान नहीं है, ये फ्लोरिडा का तूफान नहीं है, ये किसी और अंडमान का तूफान नहीं है, वो बड़ी आंधी है जो सारी दुनिया को जड़ से साफ कर देगी, मार के ख़त्म कर देगी, जला देगी, राख कर देगी। बड़ी आठवां अध्याय प्रकाशित वाक्य जो बताता है, फिर एक मैंने ऊपर से मशाल सा तारा गिरता देखा, समुद्र की एक तिहाई मछलियां मर गई और उसका पानी नाक दोनों सा कड़वा हो गया। फिर एक तुरही फूकी गई और लोगों को बड़ी पीड़ा देने वाले बड़े बड़े फोले हो गए। फिर मैंने आग से भरे हुए ओले गिरते देखे जो मन मन भर के थे और लोग उससे मरते चले जा रहे हैं। एक से एक प्लेग आप देखिए ना, कैसे छठी मोहर के दौरान कैसे प्लेग से आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वो वाला तूफान आने वाला है। ये हरियाणा वाला, शिमला वाला, हिमाचल वाला, उड़ीसा वाला तूफान नहीं है, ये खुदा का जबरदस्त तूफान सारी दुनिया को तबाह करने के लिए आने वाला है। और एक बार स्टार्ट हो गया तो उसके बाद समझिए बचने का खुदा के जजमेंट से कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने तूफान जब आएगा तो आएगा, उससे पहली चट्टान पर अपना मकान बना लिया। आने दो तूफान कौन सा आएगा, आने दो कंसल्टेशन कैसा भी आएगा, आने दो डिमोनेटाइजेशन, आने दो बीमारी, आने दो डेंगू चिकनगुनिया कैंसर फैंसर, आने दो जिसको भी आना चाहे आने दो, क्योंकि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बना लिया है। एक बार भाई ब्रन बोले कहते हैं जिसकी जान पर आती है तो उसको फिर सब समझ में आ जाता है। एक जवान था ब्लैक, ये मीटिंग खत्म हुई तो दौड़ता हुआ है कि ना ब्रदर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे को आपसे मुलाकात करने का एक चांस चाहिए था। तो उन्हें बोलो 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 क्या बात है, कह लगे ब्रदर मैं एक ऐसा लड़का हूँ, मैं अपने घर में छोटा, लालन पालन से मेरा पालन हुआ है, छोटा होने के नाते से लाड़ प्यार से पला हूँ, मामाज बॉय बन गया, बिगड़ गया,
मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया में जाऊं, घूमे, मस्ती काटूं, मैंने सारे तजुर्बे कर लिए और इस घूमा फिरी में कमाई के लिए क्या करूं। तो मैं एक कुक बन गया, शेफ बन गया और घूमता फिरा करते। तो एक बार ऐसा मौका लगा कि मैं एक प्लांटेशन में गया, वहाँ पल्प निकाला जा रहा था। तो मैंने कहा भाई यहाँ बहुत सारे लोग मजदूर काम करते हैं 500-700, मैं इनका कुक बन जाता हूँ। तो मैंने जाके चीफ से बात करी कि सर मैं कुक हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ मुझे काम दे दीजिए। उन्होंने भाई चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो कहने मैं अच्छा कुक हूँ, डिप्लोमा मैंने कर रखा है, बढ़िया क्वालिटी का हूँ मैं, वो सब कुछ ठीक है, तो मुझे कुछ तनख्वाह भी मिल जाएगी, काम चल जाएगा, मैं हेल्प कर सकता हूँ, सीनियर जूनियर जो मर्जी रख लो। अल्टीमेट उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, ऑलरेडी हमारे पास एक शेफ है, एक लेडी है और बुज़ुर्ग है, काफ़ी अच्छी है, और मैं उससे मुलाकात करवा देता हूँ, अगर उन्हें असिस्टेंट चाहिए तो तुम काम कर लेना असिस्टेंट बन करके, उसके बाद देख लेंगे तुम्हारा पेमेंट वेमेंट। कहना ठीक है, मुलाकात करी तो बुज़ुर्ग आंटी थी, बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ जॉन काम करो। दो चार दिन काम करा तो अच्छा काम तो करता ही था ये। कहले एक दिन मैं लेटा हुआ था और लेटा हुआ था रात में अचानक तड़ाक तड़ाक बिजली कड़कना शुरू हुई। अब टेंट देखा तो लाइट जले, धड़ाम धड़ाम बादल गरजे, मैंने कंबल ओढ़ के खींच लिया, लेकिन वो इतनी तेज आवाज थी, कानों को फाड़ रही थी और बिजली इतनी कड़क रही थी कि अंदर उसकी लाइटें चमक रही थी, डर भी लग रहा था। कहले मैंने दीवार के बाहर, टेंट के दीवार जो बना रखी थी मोटी वाली, उसके बाहर मैंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी कि यार चलो जल्दी चलते हैं, घोड़ों के पास चलते हैं, उसको निकाल लेते हैं, अदरवाइज कोई बचेगा नहीं। कहले मैंने सुना कौन बात कर रहा, तो देखा जो प्लांटेशन का जो बॉस था, सबका मालिक था, वो अपने असिस्टेंट से कह रहा था इतना तेज तूफान आ रहा है कि लगता है आज हमारी आखिरी रात है, हम में से कोई नहीं बचेगा, चलो कुछ उपाय करते हैं उधर चल के करने। अब भाई साहब जब ये ने आवाज़ सुनी, इतने सुनते साथ ही तूफान आ लिया, आते साथ सारा उड़ा उड़ू करके गड्ढ मड दादा पेड़ चढ़ चढ़ा चर्र चर्र गिर रहे, टूट रहे, चटक रहे। कहले मैंने देखा जो कैनवस थी इतनी मोटी कैनवस ओढ़ ली, मैं भी लुढ़कता हुआ गया, तो बराबर के कमरे वो आंटी शेफ जो थी वो थी, वहाँ लुढ़कता मैं पहुँच गया, वो थी, जो मैंने कहा आंटी व्हाट इज दिस, तो पूछती है जॉन आर यू ए क्रिश्चियन, कहता नो मैम आई बिलोंग टू ए क्रिश्चियन फैमिली बट आई एम नॉट ए क्रिश्चियन प्रॉपर। उन्होंने कहा कि बेटा तुम यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हो ना, थोड़ी देर बची है, थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं, तूफान इतना ज़बरदस्त है, मैं भी मरूंगी, तुम भी मरोगे और जितने प्लांटेशन में हम सभी लोग मर जाएंगे, शायद हमारी आखिरी ज़िंदगी की ये रात है, मैं चाहती हूँ कि तुम खुदा के पास आ जाओ। बोला जी मैं तैयार हूँ, क्या करूँ। खैर उस आंटी ने प्रार्थना करी कि प्रभु तू इस जवान को स्वीकार कर, इसे ये दे वो दे, ऐसा कर वैसा कर, और उसने भी वादा किया कि प्रभु अगर मुझे ज़िंदगी तूने दे दी, अगर प्रभु तूने मुझे ज़िंदगी दे दी, आज मैं नहीं मरा तो मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं तेरी मर्जी के मुताबिक, अब मुझे कुछ आता ही नहीं है भैया, मालूम है चढ़ जाते थे लोग बाग, हम भी बचपन में गए, लेकिन क्या करा जाता है, क्या होता है, कुछ नहीं मालूम, क्यों हम तो आवारा रहे शुरू से। प्रभु जैसी तेरी मर्जी होगी वैसे मैं करूंगा, मेरे को एक जिंदगी एक जीने का मौका दे दे। तो बोला कि ब्रदर हुआ ऐसा कि तूफान आया, मैं नहीं मरा, वो निकल गया, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, कुछ तो मरे, काफ़ी टूट फूट हुई, बच गया। वहाँ पर मैंने फिर वहाँ से जब बाहर आया मैं प्लांटेशन से, तो मैंने सुना आपकी मीटिंग चल रही है, मुझे बताया गया बहुत बढ़िया एक प्रीचर है, बहुत खुदा का जेन्युइन बंदा है, मैं केवल आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ दौड़ता हुआ, प्लीज़ मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप मुझे ऐसा कर सकते हैं। मैं बोला क्या, मैंने देखा उस तूफान में हम सबके हवाइयाँ उड़ी पड़ी थी, डरे पड़े थे, मौत हम सबके चेहरे पे थी, उस शेफ आंटी के चेहरे पे एक शिकन नहीं थी, और वो कह रही थी बेटा कुछ ही मिनटों के बाद हम मरने वाले हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जो शांति थी, तसल्ली थी, वो कह रही थी कि हम अपने प्रभु के पास जाने वाले हैं,
तुम अपना इंतजाम कर लो बेटा। कहने इतनी शांत, ऐसे तूफान में इतना शांत कोई होता नहीं है। क्या ब्रदर ऐसा हो सकता है कि मेरे को भी वो शांति मिल जाए, मेरी भी खुदा से मुलाकात हो जाए, कि मुझे वो तसल्ली मिल जाए जो मैंने उस आंटी के जिंदगी में देखी है जब तूफान सबकी जाने ले रहा था। तो भाई बोलते हैं व्हाई नॉट, श्योर जरूर ऐसा हो सकता है, मुझे क्या करना पड़ेगा? केवल अपनी जिंदगी खुदा को देना है। जिंदगी कैसे दी जाए? बड़ा कल्चर्ड लड़का था, अच्छा साफ सुथरे ड्रेस पहने था, सूटेड बूटेड था, और हुआ क्या, वहीं कीचड़ में मिट्टी पर घुटने के बल बैठ गया और कहता प्रभु, ब्रदर मेरे को प्रभु के कदमों में ले आइए। उसने अपनी जिंदगी वहां बाहर सड़क पे कीचड़ में प्रभु के हाथ सौंप दी। एक कितना बढ़िया स्टेटमेंट जो हमने अभी अभी मैसेज में लिया था, प्रीच किया पिछले, इन द मड यार्ड I was standing by my automobile. He was a well-dressed boy, cultured, educated. He fell on his knees in the muddy yard, and there he found that hiding place. उस तूफान से बचने का स्थान और जगह प्रभु यीशु मसीह उसे बाहर सड़क पे कीचड़ में कार के पास मिल गया। That refuge in a time of a storm, that rock in a weary land. संडे को हमने देखा था ना, पिछले से पिछले, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है वो रेगिस्तान में ऐसी चट्टान है जिसकी पनाह में लोग आकर शांति पाते हैं। वो एक ऐसी आड़ है, वो ऐसी खोब है, वो एक ऐसा शेल्टर है जिसमें तूफान से बचने के लिए लोग आते हैं, पनाह पाते हैं। और हम सबसे बड़ा जो हमारे अंदर रहने वाला है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उस सूखे रेगिस्तान में, उस मौत के साय में इस जवान ने इस रॉक की आड़ में पनाह पारी और उसकी थकावट वहां से दूर होती है और वो बच जाता है। तो डोंट कम नियर एनी ऑफ दोज हु हैज द सील इन देयर फोरहेड। इसके लिए बताएगा कि जिनके माथे पर मोहर लगी है, जो तलवार लेकर इनके दवात लेकर के मारने निकलता है, कि सबको मारना शुरू करो, खुदा के भवन से ही मारना शुरू करो। खुदा का रेत गुस्सा शुरू हो रहा है, मारो जिन जिन के माथे पर मोहर नहीं है। माथे पे किस चीज़ की मोहर है? खुदा की। खुदा की सील क्या है? बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट। जिसके पास पवित्र आत्मा की छाप नहीं, मार दो जान से, लेकिन उसको मत छूना जिसके माथे पर खुदा की मोहर लगी है, अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। नो मैटर हाउ हार्ड द रॉक आर्क रॉक्ड, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द लाइटनिंग स्ट्रक क्लोज टू इट, उस नू की कश्ती में क्या जब बिजली कड़क रही थी तो कश्ती के ऊपर नहीं कड़क रही होगी? जब बादल गरज रहे थे तो क्या ऊपर नहीं गरज रहे थे? जब बारिश हो रही थी तो क्या उसकी छत पे बूंदें नहीं पड़ रही थी? जब सोते फूट रहे थे तो क्या कश्ती के नीचे से पानी धक्का देकर ऊपर नहीं फेंक रहा था? सारे माहौल टर्मोइल में ऊपर बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही, नीचे से मौत निकल के सोतों के रूप में आ रही है, इस रॉकिंग के बीच में इधर से उधर इधर से उधर जहाज कभी यहाँ धक्के खाता, कभी वहां खाता है, कभी इस लहर में कभी उस लहर में ऊपर उछल रहा, सब कुछ हो रहा है, बट एवरीबडी इज सेफ इनसाइड रॉक, एवरीबडी वो सेफ। हम और आप उस आर्क में हैं। मैसेज ऑफ आर्क तो आपने सुना ही हुआ है, दिस गोशेन इज एन आर्क। ये वो कश्ती है खुदा की। इस कश्ती के क्या आसपास, कश्ती का मतलब ये नहीं कि जगह ही केवल कश्ती है। जब आप यहां से अपनी ऑफिस में चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं, बाजार में होते हैं, यू आर इनसाइड द आर्क। आप चूंकि मसीह में पाए जाते हैं, पाखरू के बपतिस्मे के अंदर पाए जाते हैं, यू आर इन द आर्क एंड यू आर इन ए सेफ कस्टडी ऑफ गॉड। आपके चारों तेरे सामने हजार गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे नहीं छुएंगे। बुखार चढ़ जाता है हमें भी, चिकनगुनिया हो जाता हमें भी, डेंगू भी हो जाता हमें, वायरल भी हो जाता हमें, दर्द भी हो जाता हमें, लेकिन ये इतना बड़ा असर नहीं डाल पाते कि हमारी जान ले जाए। कोशिश तो करते हैं कि कुछ डिस्टर्ब करे। भैया आंधी है, तूफान है,
ये मकान के ऊपर, चट्टान के ऊपर बने मकान के ऊपर आंधियां लग रही हैं, बाढ़ें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, हवाएं आ रही हैं, ये बीमारी बीमारी जो होती है ना, मतलब अनएम्प्लॉयड है यार, घर गृहस्थी कैसे चलाएं बच्चों सहित, बहुत ज़्यादा दूरी ऑफिस की है, उसी में सारा टाइम निकल जाता, खर्चा हो जाता, कैसे चलाएं भाई, बीमारी आ गई कैसे चलाएं भाई, पड़ोसी आजकल बड़ा तंग कर रहे हैं कैसे गाड़ी चलाएं भाई, मोहल्ले वाले परेशान कर रहे हैं कैसे करें भाई, ये बहुत सारी आंधियाँ तूफान हैं, बाढ़ हैं, बौछारें जो हमारे ऊपर लग रही हैं। लेकिन याद रखना, इफ यू आर इन द आर्क दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू एट एनी कॉस्ट, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू, वरना खुदा का वादा झूठा हो जाएगा, और खुदा झूठा हो नहीं सकता, आसमान और जमीन टल जाएंगे, वो छुएगा नहीं भाई साहब, मार नहीं सकता। अय्यूब के ऊपर इतनी मुसीबतें आई तो खुदा ने कहा ध्यान रख शैतान, जिस्म को जो चाहे कर ले, इसकी जान को हाथ मत लगाना, पढ़ा है कि नहीं, इसके मैं तुझे दे रहा हूं, चल तू टेस्टिंग कर ले अपना, कर तेरे जो जी में है कर ले, दुख दे परेशानी कर, इसे कर बीमार तकलीफ दे, लेकिन जान पे हाथ मत लगाना, हम और आप भाई साहब आईसीयू में जा सकते हैं, वहां से वापस आएंगे लौट करके, बिल्कुल आईसीयू के बिल्कुल मोस्ट सीरियस कंपार्टमेंट में हम जा सकते हैं, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ गॉड इसकी जान को हाथ लगाना मत। तो हमारे सामने हजार गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, दाहिने 1,000 गिरेंगे, लेकिन जान को नहीं ले सकते, बीमार कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, चिड़चिड़ा सकते हैं, बजट फेल कर सकते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगवा सकते हैं, इधर उधर भगाई दुगाई करवा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। जिनके ऊपर खुदा का हाथ है उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। तो चूंकि जब हम ख़त्म हो ही नहीं सकते हैं तो फिर हम डरें क्यों, हमें मालूम है आखिर वहाँ लौट के आएंगे ही आएंगे, तो कोई बात नहीं, चलने दो, जो चल रहा है, जो ट्रायल है, टेम्पटेशन है, आंधी है, तूफान है, चलने दो। तो सिटी ऑफ रिफ्यूज जो है, खुदा जो है, यीशु मसीह के अंदर आकर के सेफ्टी आ जाती है। यू नो पीला घोड़े का समय है, उसके पीछे मृत्यु और अधोलोक चला रहा है कि नहीं? हमारा जमाना कौन सा है? पीले घोड़े वाला है। और केवल पीले घोड़े का ही जमाना नहीं है, हमारे जमाने में तो चारों घोड़े हैं, हमारे युग में सफेद घोड़ा भी है, एंटी क्राइस्ट, मसीहत का ड्रामा करके मौत के घाट उतारता है, स्पिरिचुअल डेथ। जमाने में लाल घोड़ा भी है, जिसका बस चले तो हमारी जान ही ले डाले, हमारे ऊपर हमारे बीच में जो काला घोड़ा भी चल रहा है, लाओ तराजू में अनंत जीवन दो, और कितने तुम्हें पैसे चाहिए, जमीन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला वाले ले जाओ, सब अपनी जिंदगी मुझे दे जाओ। और बहुत से एंड टाइम बिलीवर बिक गए, बहुत से लोग बिक गए अपनी फरमाइश की वजह से, काला घोड़ा भी चल रहा है और पीला घोड़ा जिसमें सारे गुण हैं मिक्स, मौत। पीला घोड़ा हमारे युग में चल रहा है और खास तौर से एंड टाइम मैसेज को तो वो मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, किसी प्रकार से इन्हें जिस्मानी तो छोड़ो आत्मिक मौत से मार दो। नबी ने बताया द लास्ट प्लेग इन इजिप्ट वाज द डेथ, आखिरी जो पनिशमेंट था वो डेथ थी, और बिफोर रैप्चर द लास्ट पनिशमेंट इज द स्पिरिचुअल डेथ। पीला घोड़ा जो है जिस्मानी मौत नहीं मार रहा, पीला घोड़ा रूहानी मौत से मार रहा है। रूहानी मौत पे मैं और आप मरेंगे या बचेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा, हमने अपना घर कौन सी चट्टान पे बनाया है या रेत पे बनाया है। तो पीला घोड़ा घूम रहा है, काला घोड़ा भी घूम रहा है, लाल घोड़ा भी घूम रहा है, सफ़ेद घोड़ा भी घूम रहा है। खुदा ने एक बात कही थी इस काले घोड़े वाले सवार से कि मेरे दाखरस और तेल को हाथ मत लगाना, मेरे दाखरस और तेल को हाथ मत लगाना, अर्थात पवित्र आत्मा और प्रकाशन से पाए हुआ जोश पे हाथ मत लगाना, ये मेरे बंदों में रहने देना, चाहे वो बीमार हो, चाहे आईसीयू में पड़े हों, चाहे गरीबी में हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे तंगी में आ रहे हों, लेकिन इनके जोश में कमी नहीं आने चाहिए। मेरा आपको चेक करने का मौका है। खुदावन ने कहा था शैतान से खबरदार, जो मेरे खून खरीदे हुए लोग हैं उनके दाखरस और तेल पे हाथ मत धरना, अर्थात उनके पवित्र आत्मा पे हाथ मत डालना,
और जो उनको रेवलेशन से जोश मिलता है मैसेज सुन सुन के गानों से बजानों से गवाहियों से उस पर हाथ मत धरना, वो जोशीले बने रहने देना, बाकी मुसीबतें डालना डालो कोई बात नहीं है। जब अय्यूब का टाइम है तो कहा सब जिस्म को छू ले लेकिन जान पे हाथ मत रखना, और जब पीला घोड़ा चल रहा है तब भी खुदा का फरमान है कि मेरी दुल्हन जो है उनकी जान पे हाथ मत लगाना, जो चुने हुए हैं जिन्होंने चट्टान पे घर बनाया हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों तूफान तो आने वाला है, ये फ्लोरिडा का तूफान नहीं है, ये उड़ीसा का तूफान नहीं है, ये सारी दुनिया को बहा के ले जा करके बर्बाद करके आग और गंधक बरसा करके हमेशा के लिए मार डालने वाला तूफान है। जब इससे बचना है तो भाई साहब मकान बनाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा। मैदान में रहके बच सकते हैं? मैसेज की क्लोजिंग पे हूं मैं। जिस किसी ने आंधी से बचना तो कोई शेल्टर तो चाहिए उसे, बारिश से बचना तो कोई तो उसको शेल्टर चाहिए, आंधी से बचना तो बचने के लिए कोई गुफा चट्टान तो चाहिए, धूप से बचना तो झूठ में कोई आड़ तो चाहिए जहां छाई मिल जाए, चाहिए कि नहीं? या मैदान में खड़े खड़े बच जाएंगे या चट्टान पे खड़े खड़े बच जाएंगे? यानी चट्टान के अंदर गुफा में नहीं जाते, ऊपर खड़े होते हैं, वहीं से उड़ा के ले जाएगा साइक्लोन, या पानी में खड़े होगा बीच बोट में शिप पे खड़े हैं, मान पड़ा शिप भी डूबेगा आप भी डूबोगे। सो एक बचने का स्थान चाहिए, और बचने का स्थान एक मजबूत मकान होता है, मजबूत बिल्डिंग होती है, जैसा कि 18वें अध्याय नीति वचन में हमने अभी अभी ताजा देखा था, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए माइटी टावर। खुदा का नाम एक बहुत बड़ा किला है, टावर है। द राइटियस रन इनटू इट एंड इज सेफ। एक धर्मी व्यक्ति उसमें दौड़ता है और पनाह पाता है। इस आंधी और तूफान में जबकि आने वाला है, दुनिया की बर्बादी आने वाली है, हमारे पास भागने का एक स्थान है, अपने प्रभु के अंदर आ जाओ, पवित्र आत्मा के अंदर आ जाओ, बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट में आ जाओ, ठीक है ना? अब आखिरी बात कहने जा रहा हूं जो हमने पढ़ी थी, निकाल लीजिए बाइबल, मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बस आपसे पूछता हूं मैं, ये बुद्धिमान मनुष्य जिसने चट्टान पर घर बनाया है ये तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि आगे लिखा ना आंधी आई तूफान आए बाढ़ें आई टक्करें लगी लेकिन वो मकान भी स्थिर रहा और मकान के अंदर जो होगा वो भी बच गया। ऐसे ही है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, बाइबल की तरफ मत देखना, ऊपर देखो मुझे, कोई नीचे मत देखना। यीशु मसीह ने कहा जो कोई इन बातों को मानता है वो ऐसा है। वो बातें कौन सी हैं जरा बताइए, नीचे मत देखना। 24वां तो लिखा है ना, जो कोई मेरी इन बातों को मानता है, वो बातें हैं कौन सी? अगर हमें वो बातें ही नहीं पता तो फिर हमारा तो मकान फिर पता नहीं बना भी कि नहीं बना, लिखा है कि नहीं ऐसा? फिर सुनिए ध्यान से, ऊपर ही देखिए, नकल करने की आवश्यकता नहीं है, अब बात हो रही तो बात पूरी भी होगी। जो कोई मेरी इन बातों को मानता है, अर्थात कुछ खास बातें हैं जिनको मानने वाले का घर ऑटोमेटिकली चट्टान पे बनता है। उसे राजमिस्त्री नहीं पकड़ना, उसे लेबर नहीं लाना, उसे सरिया बिल्डिंग के लिए नहीं लाना, उसने रोड़ी बदरपुर का ऑर्डर नहीं देना, उसने बेलदार पकड़ के नहीं लाना, केवल इन बातों को मानो और आपका घर बन गया गंडा फोरस की तरह। जो मेरी इन बातों को मानता है उसका घर बन गया, और कैसा बना? चट्टान पे बना। आंधी आने दो, बीमारी आने दो, गरीबी आने दो, डिमोनिटाइजेशन आने दो, इलेक्ट्रॉनिक वॉर आने दो, बायोलॉजिकल वॉर आने दो, बम पटकने दो, वर्ल्ड वॉर होने दो, उसका घर चट्टान पे बन गया जो मेरी इन बातों को मानता है। और किन बातों को मानता है? अब नीचे करिए निगाह, और आज मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, 2 मिनट के अंदर 5वें अध्याय पे आइए। 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय,
ये हैं वो बातें जो इनको मानता है, जो पांचवें अध्याय की बातों को मानता है, जो छठे अध्याय की बातों को मानता है, जो सातवें अध्याय की बातों को मानता है, उसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, जो इन बातों को मानता अर्थात पांच छह सात चैप्टर की बातों को मानता है, उसका मकान बन गया चट्टान पे। पांचवा मैं पढ़ता हूं, पांचवा अध्याय और दूसरी आयत से पढ़ता हूं मैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, और जब वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हें, धन्य है वे जो मन के दीन है जो इनको मानता है अर्थात जो अपने मन को दीन करता है, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं अर्थात जो शोक करने वाले हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, जो नम्र है इन बातों को मानता है और करता है उसका चट्टान पे है घर। और छठी आयत, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, सातवीं, धन्य वे जो दयावंत हैं, आठवीं, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, दसवीं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, ग्यारहवीं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं। उसके बाद आ जाइए, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, आ जाइए सत्रहवीं आयत पे, पांचवा अध्याय, यहाँ पर कुछ बातें सिखाने की हो रही हैं, जो लोग सिखाने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है। 19वें आते हैं, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। 20वें आयत, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश न करने पाओगे। हमारी धार्मिकता राष्ट्रवादी दिखाने वाली थी फकी फरीसियों की, हमारी दिखाने वाली ना हो। फकी फरीसी दिखाने के लंबे चौड़े तावीज पहनना, सफ़ेद वस्त्र पहनना, बाजारों में नमस्कार करना, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड करने सब होता है, बाइबिल लेके घूमते फिरना, इससे कोई कबूल नहीं किया जाने वाला है। तुम्हारी धार्मिकता इनसे बढ़कर हो, इनसे बढ़कर क्या होगी, लिटरली तुम्हारी जिंदगी में कलाम मुजस्सम हो, वो अंदर वाली बात हो, बाहर वाली बात ना हो। जो प्रभु की आज्ञा है वो प्रैक्टिस करते दिखाई दो, दिखावे के लिए ढोंग ढकोसलेबाजी मत करो। फिर आगे 21वीं आयत, तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के होगा। हत्या ना करना, जो कोई इन बातों को मानता है उसका घर चट्टान पर है। 23वीं आयत, वो 23 से ऊपर 22वीं आयत के आखिर में लिखा है, अरे मूर्ख, जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो ये मूर्ख पूरा कहना और इस प्रकार की बेइज्जती करना ये सब भी नहीं, जो करेगा उसका मकान चट्टान पे बन रहा है। 23 आयत, यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लार वहां तो स्मरण कर दे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ाए कर। अर्थात मन अगर एक नहीं है, कड़वाहट है, विरोध है, तो भाई साहब चट्टान पे नहीं रेत पे बन रहा है, इसको दूर करना ही पड़ेगा। 27वीं आयत, तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार न करना, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले और अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, अपनी निगाहों को ठीक कर लेना पड़ेगा, अन्यथा मकान रेत पे गया। ये वो बातें हैं जिनको मानना है। ये भी कहा गया था 31, कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो उसे व्यभिचार करवाता, जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है। इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करते हैं तो मकान चट्टान पे है, नहीं फॉलो करते मकान रेत पे है। 33 आयत, सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी मन शपथ को पूरी करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना धरती की, ना खुदा की, ना शपथ ना खाना। अगर शपथ नहीं खाते हैं मकान बन रहा है चट्टान पे, और शपथ खाते हैं अपनी बात को पक्का करने के लिए, वे खुदा ने भी तो शपथ खाई थी, उसने खाई थी, उससे अलग है, हमको मना किया गया है। अगर शपथ खाते हैं तो मकान बन रहा है रेत पे। 38 आयत, तुम सुन चुके हो कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे काम का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके दूसरा फेर देना, यदि कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी ले देने देना, कोस भर बेगा लिया तो उसके साथ दो कोस चला जा,
जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये काम करोगे तो मकान बन रहा है चट्टान पे, नहीं करोगे तो मकान बन रहा है रेत पे। 43 तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन अगर करोगे तो मकान है चट्टान पे, और अगर नहीं करोगे तो मकान है रेत पे। 47 शायद, यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध बनो भाई, कोशिश करो, पूरा तो नहीं बन पाओगे लेकिन करते रहो करते रहो। अगर सिद्धता में चल रहे हो तो मकान बन रहा है चट्टान पे, और नहीं चल रहे तो बन रहा है रेत पे। 6 पहली हाथ, सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ ना पाओगे। दिखावा है, फेमस होना चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहते हैं, मशहूरी के शौकीन हैं, तो भाई साहब रेत पे मकान बन रहा है। नेकी कर दरिया में डाल, जो कुछ कर सको करे जाओ करे जाओ, कभी नेम एंड फेम की चाहना मत करो, मकान आपका चट्टान पे अपने आप बन जाएगा। अब उन्हें एग्जाम्पल, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, चुपचाप से करो, दाहिना हाथ दे तो बायां जानने ना पाए, ताकि खुदा को मालूम है। अगर दिखा दिखा के कुछ काम कर रहे हो, चाहे कितने तुम अपनी जान तक कुर्बान कर दो, वो मकान रेत पे बन गया। अगर बिना दिखाए खामोशी में करते चले जा रहे हो तो वो फिर चट्टान पे बन रहा। 5 आयत, प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है दिखावा नहीं करना, इन सारे एग्जाम्पल्स में पाया जा रहा है, दिखावा नहीं करना है, मसीहत का दिखावा नहीं, धार्मिकता का दिखावा नहीं, अपने आगे तुरही ना बजवा, अपने अपने कि जी हमारे हम तो मैसेज में ये हैं, हमारी दुआ से तो ये हो जाता, हम तो बहुत गहराई में हैं। नो, अपनी तड़ी मत मारो, रंगबाजी मत दिखाओ। अगर रंगबाजी दिखाओगे तो मकान बन रहा है रेत पे, और अगर नहीं दिखाओगे तो मकान बन रहा है चट्टान पे। और फिर हमारे बाप की दुआ उसके बाद आ गई है, 16 आयत, उपवास करो तो कपटियों के सामने, वो ये भी दिखावा, उपवास में दिखावा, दान दक्षिणा में दिखावा, बोलने चालने में दिखावा, पहनने ओढ़ने में दिखावा, मतलब दिखावा हर चीज का कैंसिल है। अगर दिखाने के लिए किया जा रहा है तो मकान रेत पे। आप बढ़िया से बढ़िया काम करो, सम्मान अपने आप मिलेगा। बढ़िया काम करोगे सम्मान मिलेगा, हर जगह रिस्पेक्ट मिलेगी, हर जगह आप ऊपर ही रहोगे, लेकिन दिखाने के लिए अगर करोगे तो कुछ नहीं है, सब जीरो है। 19 लिखा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हो, जहाँ चोर सेंध लगाते हो चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। 21 साथ, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहे, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगेगा, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, मकान दुकान कुछ भी हो, जहाँ आपका धन है, हीरे जवाहरात है, आपका मन लगा रहेगा वहाँ पे। अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। स्वर्ग में इकट्ठा कैसे होता है? जब आप खुदा की सेवा करते हैं, खुदा के लिए कुछ काम करते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट जो स्वर्ग में है वहां पे जमा होता जाता है। आए तो ठीक, जाए तो ठीक। बाइबल बताती है धन का लोभ हर बुराई की जड़ है। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ है। धन आए तो बढ़िया, जाए तो बढ़िया। मिल जाए तो बोरे भर भर के खर्च करो, और नहीं है तो मिट्टी का तेल लगा के आग से फूंक दो, तो भी कोई वो नहीं है उसके लिए। अब हाय 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 ना करो, ना पैसे के लिए, ना सोने चांदी के लिए, ना हीरे जवाहर के, हाय हाय मत करो। इस धन को अपने दिल पे चढ़ने मत दो, इसको रखो जूते की बिल्कुल सोल के नीचे तली में, ये अपने आप दौड़ के आएगा आपके पास। इसको रगड़ के रखो बिल्कुल, जहां आपने इसको अपने ऊपर चढ़ने दिया ना, ये मौत में ले जाएगा। और बाइबल बता दी कितनों का विश्वास रूपी जहाज धन के लोभ के चक्कर में डूब गया। धन बुरा नहीं है, धन का लोभ बुरा है। आ गया तो ठीक, बड़े बड़े धनाढ्य थे, इब्राहिम धनाढ्य था, दाऊद भी था, सुलेमान भी था, एक से एक थे। क्या वो बिलीवर नहीं थे? वो टॉप के बिलीवर थे। और लाजर जैसे गरीब कंगाल भी हुआ करते थे, वो भी टॉप के बिलीवर थे, लेकिन जिसने धन का लालच किया वो डूब गया। जिसने धन का लालच किया उसने बनाया मकान रेत पे, और जिसने धन को रखा जमीन के तली में, चलो धर को तेरी कोई औकात नहीं है, उसका मकान बना चट्टान पे।
24वीं आयत के आखिर में लिखा है, तुम खुदा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फिर आगे एग्जाम्पल आ गई हैं, चिड़ियों की, जानवरों की, वगैरह वगैरह। 34वीं आयत में लिखा है, 6:34, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। 33वीं आयत में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज धर्म की खोज करो तो सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा के राज धर्म की खोज में, बढ़ने में, मजबूती में लगे रहो, मकान चट्टान पे बन रहा है, और खुदा के राज की खोज तो दी छोड़ और चल पड़े दुनियादारी की उसमें, तो मकान गया फिर रेत पे। 7वां अध्याय, पहली आयत, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगा जाए। दोष लगाओगे तो मकान बनेगा रेत पे, और दोष नहीं लगाओगे तो मकान बनेगा चट्टान पे। 6वीं आयत, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे तो पलट कर तुमको फाड़ा है। अच्छी खुदा की बातें हैं, हटाजी ठट्टा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, तोहीन करने वाले, उनके सामने बातों को शेयर करके खुदा के कलाम की बेइज्जती मत करवाओ। वो खुदा की भी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। जहां जगह मिले सम्मान हो खुदा के वचन का, चाहे गुनहगार हो, चाहे महसूल लेने वाला, चाहे वैश्या हो, चाहे कोई भी चोर डकैत क्यों ना हो, शेयर करो वहां पर। लेकिन जो हाट हीटी हट्टा ठट्टा उड़ाने वाले हो, क्या भाई साहब चलो, तुम मांगो तो मेरी दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, वगैरह वगैरह। तो 11वीं आयत लिखा, जब तुम बुरे होकर अच्छी चीजें देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता भी देगा। 13वीं आयत, सकेत फाटक से प्रवेश करोगे तो मकान बनेगा भाई साहब चट्टान पे, और चौड़े चाकल से प्रवेश किया तो मकान बनेगा रेत पे। 15वीं आयत, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, अगर झूठे नबियों से सावधान हुए तो आपका मकान आ जाएगा चट्टान पे, और झूठों की यारी दोस्ती में गए, झूठे भविष्यवक्ताओं की संगति में गए, उनसे बड़ा रिलेशन मिलाया तो याद रखना मकान गया फिर रेत पर। 21वीं आयत, जो मुझसे हे प्रभु कहता, हर कोई स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है ना। इतनी बातें जब यीशु मसीह कह चुके, आप लोग घर में पढ़िएगा इसको आराम से, बैठ करके 5वां 6वां 7वां अध्याय पूरा पढ़िएगा। मैंने तो जल्दी जल्दी, ताकि समय के हिसाब से भी खत्म कर दूं, जल्दी जल्दी बोल दिया है। ये वो चंद बातें हैं जिनके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इनको कर लें यही बहुत है। अगर हमने इतनी कर ली, हमारे लिए यही बहुत है, आगे तो बहुत सारी और भी हैं। इनके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई मेरी इन बातों को मानता है। अब आ गई समझ में कौन सी बातें, जो इन बातों को मानता है, आधी मानता, आधी, एक चौथाई मानता, 3/4 की प्रभु तो बहुत मुश्किल है, 3/4 मान लेता जो मतलब की है, जो बहुत कर रही पड़ रही, क्या प्रभु इसमें तो आप समझते हो कि बड़ा प्रेस्टीज इशू है और ये है और वो है, मजबूरी है, वो कह रहा मुझे इससे मतलब नहीं, मैं तो ये बता रहा, एक जनरल रूल है सभी के लिए, कॉमन है सबके लिए, जो मेरी इन बातों को मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पे बना लिया। अब चाहे आंधी आने दो, चाहे तूफान आने दो, चाहे बीमारी आने दो, चाहे धोखा आने दो, चाहे लालच आने दो, चाहे गरीबी आने दो, चाहे भूकंप आने दो, चाहे कुछ भी आने दो, जिसको आना हो आओ, क्योंकि हम इन कामों को मानते नहीं, करते भी हैं, जो 5, 6, 7 अध्याय में लिखे हैं, तो आप सेफ हैं। आंधी आएगी, आप सेफ, तूफान आएगा सेफ, बाढ़ आएगी सेफ, टक्करें लगेगी सेफ, सब आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आप वहीं खड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप बड़े सेफ जगह में पहुंच चुके हैं। तो जो कोई इन मेरी बातों को मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य की नाई है, और जो नहीं मानता है, आधी मानता आधी नहीं मानता, वो उस मूर्ख के समान है जिसने मकान तो बनाया है उसने, ऐसी बात नहीं, मकान बनाया भैया, मकान उसने बनाया है, दुआ बंदगी वो भी करता है, चर्च वो भी जाता है, कुछ लेना देना भी करता है, कुछ अच्छे कर्म भी करता है, कहीं कहीं गवाही भी देता है, लेकिन भाई साहब नेव खोखली है, रेत पे है, क्योंकि आधी बातों को मानता आधी को नहीं मानता, नेव खोखली हो गई। पौनी मानता तो पौनी नेव पक्की है, 1/4 खोखली है, पता नहीं वहीं से कहीं ना घुस के आ जाए पानी। पानी को तो एक जरा सा सुराख नहीं चाहिए, वो तो अपने आप ही बना लेता है।
अल्फाजों में कहना चाहूँगा, अब जो तूफान आ रहा है रैप्चर से पहले वाला, वो बड़ा भयंकर तूफान है। और वो तूफान जब आएगा तो किसी को इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि अपनी जान बचाने के लिए अब कुछ कर ले। नवीन उस गाने में नहीं बताते अक्सर कि एक आदमी था, सारी इतना बिजी रहा, उसको टाइम नहीं ना मीटिंग का, ना दुआ का, ना बंदगी का। आखिरकार उसके पास मैसेज आता रहा, कह रहा मैं बहुत बिजी हूँ, ड्यूटी है। अच्छा बिजी हूँ, अब बच्चों का एडमिशन कराने जा रहा हूँ। फिर मिले, अरे भाई वो राशन भी तो लाना है। फिर भाई आ जाओ प्रभु के पास, अरे भाई आज तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है। उसे कहीं समय नहीं मिला। उस गाने की लास्ट वर्स से कहती है, आखिर में उसे मरने का समय मिला। और जब मरने का समय मिला तो सब चीजें हाथ से जा चुकी थी, द ग्रेट जजमेंट जो सॉन्ग है। और जब मरने का समय मिला तो अब क्या करें भाई, अब तो चलो नरक। मेरे और आपके पास बुद्धिमान होने के नाते से आज मकान बनाने का, सेफ्टी को प्रिपेयर करने का ये चांस है। तो गोशेन की कलीसिया भी सुन ले, उठापटक बहुत चल रही है, उतार चढ़ाव बहुत चल रहे हैं, मार काट बहुत हो रही है, बहुत कुछ लेन देन हो रहा है, बहुत कुछ समस्याओं से देश जूझ रहा है, संसार जूझ रहा है, साइंस से जूझ रहा है, ISI से जूझ रहा है, पाकिस्तान से जूझ रहा है, जाने कितनी समस्याएं हैं जिनसे सारी दुनिया तो है ही दुखी, हम भी फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका असर हमारे ऊपर नहीं आता। अब धुआं चलाकर पंजाब में, हरियाणा में तो ऐसा हमें नहीं आया। अरे वो बिलीवर के घर में भी धुआं है, हमारे घर में भी आया, पॉल्यूशन वहां भी आया, हमारे यहाँ भी आया। अगर मच्छर आए तो सबके घर में आए, हमारे घर में भी आए। तो ये सारी चीजें हम पर असर डालने की कोशिश कर रही हैं, आंधी हैं, तूफान हैं जो हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनसे भी बहुत बड़ा तूफान जो सारी दुनिया को उतार के नरक में बहा के ले जाएगा, जैसे बाढ़ आती ना, अल्टीमेटली कुछ भी होगा, गिरेगा तो बंगाल की खाड़ी में ही भाई, चाहे किसी भी नदी से कहीं से भी तूफान बटोर के लाएगा सामान, अल्टीमेटली मिलते जुलते छोटी बड़ी नदी नाले, अल्टीमेटली जाना बंगाल की खाड़ी में या गोदावरी में गिरना है, जहाँ वही बंगाल की खाड़ी ही है। तो अल्टीमेटली उन्हें उसने वहाँ गिरना है। तो याद रखिए कि हमारे और आपके ऊपर जो तूफान आंधी है, जब किसी को भी समेट के ले जाए चाहे किसी बहाने से, अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी वो नरक है जिसमें गिरना है। इससे बचने का मौका अभी है। हम लोग अपने अपने दिमाग को बैलेंस कर लें, फिर कह रहा हूं मैं, हम लोग अपने अपने दिमाग को बैलेंस कर लें। हम बुधवार को देख रहे थे बहुत बढ़िया बात कि हे प्रभु तू हमें परीक्षा में न डाल, आजमाइश में ना पढ़ने दे, और अगर आजमाइश में पढ़ ही जाए तो बुराई से बचा ले। कोई हमसे ऐसा आजमाइश में ऐसा कर्म ना हो जाए कि हम बुराई में फंस जाएं और बुराई हमको नरक में उतार के ले जाए या आपकी प्रेजेंस से दूर ले जाए। ठीक है फंस गए, अब यहाँ से निकलना है, निकल के प्रभु के कदमों में आना है। शैतान पूरी कोशिश में हिलाने को दिमाग, अब याद रखना, अब वो मैसेज में ध्यान आता है, ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट। आजकल हर हिंदुस्तानी ग्रेटेस्ट बैटल लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, बैटल्स हमारे दिमाग में चल रही हैं। और इन बैटल्स में या तो हम बचेंगे प्रभु की तरफ जाकर के, और अगर हम शैतान के प्रपोजल्स पे निकल गए तो गए काम से हमेशा के लिए। जब लंबी रेस होती है, शुरू में कोई नहीं पिछड़ता, शुरू में कोई नहीं गिरता। 50 चक्कर लगाने स्टेडियम के, 30 तो सभी लगाते हैं, बराबर से लगाते हैं, उसके बाद आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, और आगे पीछे होते, कोई 35वें चक्कर पे रुक जाता, कोई 36 पे, कोई 36.5 पे, कोई 37 पे, कोई 38 पे। अल्टीमेटली जो 100 दौड़ने वाले दौड़े थे, मान लो मैराथन, 100 दौड़ने वाले दौड़े थे, कंप्लीट करी केवल 20 ने, बाकी 80 का क्या हुआ, थक थक के कहीं कहीं बैठ गए, कहीं कहीं रुक गए। अब रुक गए तो रुक गए। बाइबल कहती है तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ। तो मैं और आप इनाम पाने के नज़दीक हैं, अर्थात रैप्चर के नज़दीक हैं, हमारा रिवार्ड आने वाला है। इस समय कोशिश है ब्राइड के ऊपर,
इनडायरेक्ट तो सारी दुनिया फंसती है, लेकिन हम टारगेट पे हैं। किसी प्रकार से दुल्हन को गिरा लो, बहका लो, फंसा लो, इनको किसी टेंशन प्रॉब्लम इसमें लालू करके इनसे कुछ ऐसे कर्म करवा दो कि ये किसी प्रकार से ईमान में गिर जाए, और नहीं तो हम इन्हें फंसा लें ताकि फंसा करके हम इनको तबाह कर दें। तो मैं फिर कहूँगा, बहुत शांत मन से चलें, सोच समझ के फैसले करें, बड़े फूंक फूंक के कदम रखें, और बुद्धिमान मनुष्य की तरह चट्टान पर अपनी नींव बना लें ताकि मैं और आप सुरक्षित रहें। ठीक है, रैश ना हो, खुंदकी ना हो जाएं, गुस्से में फैसले ना करें, जल्दबाजी में फैसले ना करें, किसी काम को करने से पहले होता ना वो कम वन स्टेप लोकम नाइन टाइम्स, एक कदम चलें और नौ बार देखें कि हर कदम सही है कि नहीं है, और सही ना दिखाई दे तो अंदाजे पे ना चले, उसको छोड़ दें, मत उठाओ कदम। बी मोर कॉशियस नाउ, मत उठाओ कदम, छोड़ दो, जाने दो, लेकिन कदम उठाओ तो पक्का उठाओ, और सटीक और सेफ कदम हर जगह, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, कहीं भी हो, क्योंकि शैतान फाड़ खाने वाले शेर की तरह तलाश रहा है उसे मसीह की दुल्हन का कोई बंदा मिल जाए और मैं उसको चबा करके फाड़ करके चिथड़े चिथड़े कर दूंगा। तूफान आने वाला है, ग्रेट स्टॉर्म आने वाला है, लेकिन अभी समय है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर अभी प्रचार हो गया ये मैसेज, अगर आज प्रचार हो गया है ये मैसेज कि तूफान आने वाला है, कर लो तैयारी, तो ये चेतावनी आज तैयारी की है। जिस दिन तूफान आ जाएगा ना, उस दिन बच नहीं पाएंगे, ना आप ना मैं कोई सा भी, तो इसलिए तैयारी कर लो। ठीक है ना, प्रभु हम सबको आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर के हम उस पुराने गाने को गाएंगे, शायद गीत की किताब में पता नहीं है, है कि नहीं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, और इसको इसलिए गाएंगे कि हमें सहारा चाहिए है प्रभु का। किताब में नहीं है मेरे पास है, हम अपने में अपने आप को कितना भी बहादुर, कितना बुद्धिमान, कितना तेज तर्रार, कितना सक्षम समझते हो, खुदा के बाद अगर अगली बुद्धि किसी के पास है तो वो शैतान के पास है। हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उससे लड़ सके, सामना करके हरा सके, लेकिन खुदा के रहम में होने के नाते से, पवित्र आत्मा वचन के अंदर होने के नाते से, हम उसको बड़े आराम से हरा सकते हैं। तो सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। कठिन रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, जहां के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिर में जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है ऐ खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे, आप मेरे साथ मिलके गाइए, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं सहारा मुझको चाहिए,
सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत हरे के मोड़ पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत हरे के मोड़ पर खतर, अंधेरे सायों को हटा दिखा दे मुझे को अब शहर, अंधेरे सायों को मिटा दिखा दे मुझे को अब शहर, सहारा मुझे को चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल कहता है, अपने आप को कहीं ज्यादा ना समझ लें कि कहीं गिर पड़े। हम कुछ भी हों, खुदा के सामने एक जैसे दाऊद बादशाह कहता है, एक पिस्सू की नाई है, एक नाले की कीड़े के समान है, मुरझा जाने वाली घास और फूल के समान है, एक बुलबुले की नाई है, एक भाप की तरह उड़ जाने वाला हमारा जीवन है, ये हमारा अस्तित्व है, और इसलिए हम अपने ऊपर घमंड किसी बात का नहीं कर सकते। इसलिए गाने के शब्द बिल्कुल ठीक हैं कि खुदावंद मुझे सहारा चाहिए, इस पूरे गोशेन को सहारा चाहिए, हम सबको सहारा चाहिए, क्योंकि आप ही हमको
स्थिर रख सकते हैं। हमने अपना जीवन तो प्रभु आपको दे दिया है, आपके चरणों में भी आ गए हैं। इस दुनिया में कठिन समय में पूरी कोशिश करते हैं बेहतर रहने की, शैतान पूरी कोशिश करता है हमको भरमाने और गिराने की, इसलिए आपका नाम, आपका वचन हमारे लिए मजबूत किला है जिसमें हमको पनाह मिलती है। खुदावंद गोशेन को अपने में बना कर रखे, एक जन की नहीं सभी की दास्तान है। मैं चाहूंगा कोई भी एक जन पूरी कलीसिया के बिहाव पर अपनी दीनहीन दशा को स्वीकार करते हुए, खुदा की सामर्थ को रिकॉग्नाइज करते हुए, अपने यीशु मसीह के प्रोटेक्शन को चाहते हुए सबकी तरफ से इस आशय की प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपका सहारा चाहिए, आप हमें बचाएं। कोई भी हम जानते कि मेरे में भी हम सब में गुनाह है, हम सब में बुराई पाई जाती है,
प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, ते सागर में हम डूबना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं, सागर सागर दया
जीसस तू प्यारे सागर सागर दया का तेरे प्यार के सागर में डूबना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में यस लॉर्ड यस जीसस समय है जो प्रभु को धन्यवाद देना चाहे मौका है जो प्रभु को धन्यवाद देना चाहे मौका है खुदावन से थैंक यू जीसस यस लॉर्ड यस जीसस यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस जीसस लॉर्ड लॉर्ड ओ प्रभु आप प्यार का सागर है प्रेम से भरे हैं प्रभु थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड ओ थैंक यू जीसस यस जीसस यस लॉर्ड
Yes, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Father. Thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Have thine mercy, Lord. Have thine grace, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Father. Amen, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, for thy love. Yes, Lord. Yes, Jesus. Amen. Yes, Father. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Amen, Lord. Yes, Jesus. Yes, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. एक धन्यवाद की भेंट बहनों की तरफ से Yes, Lord. Yes, Lord. Yes.
Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. آمین آسمان زمین کے خالق اور مالک سرگ پتاب کے اکلوتے بیٹے ہمارے ادھار کرتا یشو مسیح کے نام اللہ میں آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں سے آج ملاقات اور بات چیت کری, ہمارے دلوں کو چھوا, وارن کیا, ہمارے جیونوں میں جو اچھا کام آپ نے شروع کیا ہے مسیح یشو کے دن تک آپ ہی اس کو پورا بھی کریں گے. اس وشواس کے ساتھ ہم اپنے جیون کی ناؤ آپ کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں پربھو توفیق دیں کہ آپ کی ان باتوں کو جو کہ چٹان پر گھر بناتی ہیں ہم ان کا پورا پورا پالن کر سکیں, جس سے کہ ہر آندھی طوفان میں ہمارے گھر گرنے نہ پائیں بلکہ سرکشت رہیں اور آپ کا استقبال ہوا میں کرنے پائیں. اس پورے گوشین کو اپنے سائے میں بنا کر رکھیں, اپنی اچھا کے انوسار چلنے کی طاقت پردان کریں. آپ کا پربھو بہت دھنیواد, آپ نے سمے سے پہلے چتایا اور آپ ہی پربھو اس کو پورا بھی کر دیں گے, ایسا ہمارا وشواس ہے. بڑے دھنیواد کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرارتھنا اپنے پیارے ادھار کرتا پربھو یشو مسیح کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے ویسے اس پر بھی ہو, ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصوروں کو معاف کر, ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ دے رہی ہیں, آمین. اب ہمارے خداوند یشو مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت ہر ایک ایماندار کے ساتھ اور خاص طور سے گوشین کی کلیسیا کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. یشو کتنا پیارا ہے تو,
के तारे समा यीशु कितना प्यारा है तू यीशु कितना प्यारा बोलो खुदावंद यीशु मसीह की सब भाई बहनों को जय मसीह की।